नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। दूसरे चरण का चुनाव, किसका बड़ा तनाव, किसकी बनेगी सरकार, एक बड़ा पैगाम, एक बड़ी खबर, एक बड़ी बात, एक बड़ा संदेश। पूरा देश आज इस लोकसभा चुनाव की तरफ देख रहा है। लगातार लोकसभा चुनाव में नए मोड़ आते चले जा रहे हैं। दूसरे फेज में कौन किस पर भारी, खबर आ रही है कि बीजेपी का खेल अपने ही बिगाड़ रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस में, यानी एनडीए और इंडिया में, ये जमकर चुनाव हुआ है। खबरें हैं कि लगातार मिल रही जानकारी के मुताबिक पूरा माहौल एक अलग तरीके का है। गाजियाबाद से लेकर मेरठ, अमरोहा, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मथुरा, अलीगढ़, इन सब सीटों के अब रुझान, यानी वोटरों की आकलन आना शुरू हो चुका है। कौन कहाँ गया, इस पर पूरी जानकारी लेने के लिए हम पूरे देश के उन उन राज्यों के बड़े वरिष्ठ पत्रकारों को जोड़ेंगे ताकि आपको बता सकें कि क्या हुआ। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार तौसीफ कुरैशी साहब जुड़ चुके हैं, उनका स्वागत है और अभिनंदन है। वोट करेंगे पहली बार, दर्शक कमेंट लिख रहा है, जो दर्शक कमेंट लिखेगा हम उसे बिल्कुल दिखाएंगे। वोट करेंगे पहली बार, बदलेंगे जुमला सरकार, क्योंकि फर्स्ट टाइम वोटर है कांग्रेस के साथ। बड़ा कमेंट है तौसीफ साहब, बड़ा कमेंट है, दर्शक अपने आप कह रहा है कि वोट करेंगे पहली बार, बदलेंगे जुमला सरकार, क्योंकि फर्स्ट टाइम वोटर है कांग्रेस के साथ। लोकसभा चुनाव 2024, बिल्कुल मिश्रा जी, जो अभी 5 बजे तक जो रुझान प्राप्त हुए हैं यूपी से और 13 राज्यों से, उनसे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। जो हालात देश भर में नजर आ रहे हैं, वो पहले फेज की तरह इस बार भी, यही दूसरे फेज में भी यही चीजें, यही हालात नजर आए हैं। जहां तक वोटों की नाराजगी का सवाल है, वो जबरदस्त तरीके से बढ़ती जा रही है। लोगों में निराशा भी है और आशा भी है। निराशा इस बात को लेकर है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 10 जो शासन किया गया है, उसमें लोगों की भावनाएं और आकांक्षाएं, जन भावनाएं, सब चीजों को आघात लगा है। जहां तक लोगों का सवाल है, आज मैं पूरे दिन जहां जहां चुनाव हो रहे थे, वहां अपने लोगों से, अपने मित्रों से बातचीत करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन कहीं से भी ये संकेत प्राप्त नहीं हो रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को लेकर लोगों में उत्साह नजर आ रहा है। मैं आपको और आपके दर्शकों को हैरत होगी, बागपत जैसी सीट पर भी कांटे का मुकाबला हो गया है। मेरठ के हालात भी यही है, बुलंदशहर के हालात भी यही बता रहे हैं, और अमरोहा में भी, जबकि वहां जो प्रत्याशी दानिश अली थे गठबंधन के, उनसे लोगों की नाराजगी मंजर आम पर देखी गई। लोग बहुत ज्यादा नाराज थे और उनको बुरा कहकर भी वोट गठबंधन को देकर आए हैं, ऐसे रुझान प्राप्त हुए हैं। जो विपक्ष का वोट तौसीफ साहब, है, अगर हम इन उत्तर उत्तर प्रदेश की 8 सीटों के, इनको और 8 पुराने चुनाव यानी 16 सीटों पर मतदान हो चुका है, कैसे आकलन करते हैं? पश्चिमी उत्तर प्रदेश की आपके पास पूरी रिपोर्ट रहती है, अलीगढ़ से लेके सहारनपुर तक, पीलीभीत से लेके मथुरा तक, क्या रुझान है 16 सीटों के? मिश्रा जी, जो जो रुझान है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए निराशाजनक है। पहले पहले फेस में भी 6 से 7 सीटें और दूसरे फेस में भी 5 से 6 सीटें गठबंधन की ओर
जाती दिखाई दे रही है। आज भी मथुरा में मैं अपने चंद दोस्तों से और आम नागरिकों से बात करने की मैंने कोशिश की, जो हमारे वहां ब्यूरो चीफ हैं, उनसे मैंने कहा कि मेरी थोड़ा लोगों से बात कराई जाए बूथ पर। तो बूथ पर लोगों में जो नाराजगी थी हेमा मालिनी के प्रति, जो आकर्षण पहले हुआ करता था, आज वो नजर नहीं आ रहा था। बूथ पर लोग थे लेकिन अधमने मन से बूथ पर नहीं थे। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी को चाहे यूपी हो या राजस्थान, हर जगह नुकसान उठाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। 13 के 13 राज्य ऐसे हैं जहां मतलब भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा लाभ होता दिखाई नहीं दे रहा है। जी मिश्रा अगर ये जी, हाल रहा तो अभी तो 5 चरणों का चुनाव बाकी है। राजस्थान से भी खबर कोई अच्छी नहीं है। चुनाव कसमकस हुआ है, हार जीत किसी की हो। अभी भी परिणाम के बारे में राजस्थान की क्या रिपोर्ट है आज आपके पास? भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के द्वारा ये बात अनऑफिशियल कही गई है कि हम लगभग 12 से 13 सीटें जीत सकते हैं, बाकी कांग्रेस जीत रही है। ये भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के द्वारा कहा गया है। हर जगह राजस्थान में जो हिंदू मुसलमान करने की आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोशिश की है, वो नाकाम हो गई है। और वो देश भर में भी इसका नुकसान हो रहा है। लोग सवाल कर रहे हैं, मंगलसूत्र तो कोरोना में गिरवी रखे गए थे, कोरोना में बिके थे। मंगलसूत्र तो जब ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही थी जब बिक रहे थे। मंगलसूत्र तो जब लॉकडाउन लगाया गया था जब बिक रहे थे। मंगलसूत्र तो तब बाहर निकल के आए थे, या धन हमारा जब नोटबंदी की गई थी, जिसका कोई औचित्य नहीं है ना, कोई आज आज तक उसका कोई मतलब लाभ नहीं बताया गया कि नोटबंदी की गई थी, किस कारण से की गई थी, क्या कारण थे, क्या काला धन आया नहीं आया, लोगों का ये सवाल है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हाँ एक बात कही जा सकती है कि उन्होंने आरएसएस को बोना साबित किया है और खुद अपना कद बढ़ाने की कोशिश की है, और वो बढ़ा भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज आरएसएस एक किनारे पर है और नरेंद्र मोदी फ्रंट लाइन पर है, जिसके बलबूते पर आज भारतीय जनता पार्टी केंद्र में और राज्यों में सरकारों में है। आज वो संगठन बैकफुट पर नजर आ रहा है और वो बूथ पर जाने के लिए तैयार नहीं है, जबकि नरेंद्र मोदी अपने संबंधों को सुधारने के लिए एक रात नागपुर में बिता के आ चुके हैं। लेकिन सूत्रों का दावा यह है कि वहां पर बात नहीं बन पाई है। लगातार इस चुनाव को लेकर पूरे विश्व की निगाहें भारत की ओर लगी हुई हैं। भारत एक विविधता के देश है। भारत में हिंदू मुस्लिम भाईचारा, भारत में गंगा जमनी तहजीब की बात पूरे विश्व में जिक्र होती है। और आज चुनाव के दौरान लगातार जिस तरीके से वीवीपैट पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला कि लगातार सुनवाई करता रहा और अंतिम समय में सारी याचिकाएं निरस्त कर दी। अरे याचिकाएं निरस्त करती करनी थी तो फिर लगातार 7-8 बार सुनवाई क्यों की? उनका क्या ये सब था सुनने से? दर्शक कह रहा है 49.52% मथुरा में वोट पड़ा है। मथुरा में वोट रोक नाराजगी सर चढ़कर बोली है। हो सकता है मथुरा से हेमा मालिनी हार सकती है। अब बीजेपी की हार स्पष्ट दिख रही है। ये मेरे कमेंट नहीं है, ये हमारे दर्शक हैं जो बेवाक टिप्पणी लिखते हैं। और किसी भी दर्शक को जैसे कमेंट करने का अधिकार है, हम उसे रोक नहीं सकते हैं। वो क्या लिखेगा, क्या कहेगा, ये उसकी अंतर मन की आवाज है। ये मथुरा के हैं उदय सिंह, मथुरा वाले लिख रहे हैं कि 49.52% मथुरा में वोट पड़ा है। आंकड़े अभी बढ़ेंगे क्योंकि अंतिम आंकड़े ये 12 बजे के बाद मिल पाएंगे, जब सारी ईवीएम जमा हो चुकी होंगी, सारे आंकड़े दुरुस्त होंगे 12 बजे के बाद। कभी कभी तो पहले ज्यादा आंकड़े आ जाते हैं फिर कम हो रहे हैं। अब
पहली बार ऐसा हो रहा है। और एक मणिपुर में हम एक बूथ पर एक खबर सुनकर हैरान थे कि वहां मतदान ही 100% से ऊपर हो गया है, तो मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि वो कैसे हुआ 100% से ऊपर। कई सवाल उलझन भरे हैं। अब देखना यह है कि नाराजगी का ऊंट किस करवट बैठेगा। अभी कुछ भी कह देना जल्दबाजी होगी, और हम अपने दर्शकों को कोई भी खबर झूठी नहीं देना चाहते हैं। हम अपने दर्शकों के पास तक जो तथ्य पहुंचा रहे हैं वो अभी तक मार्केट के कलेक्ट किए हुए तथ्य हैं। अब उन तथ्यों में कितने सच और सही होंगे ये तो 4 जून तय करेगा, लेकिन फिलहाल तौसीफ साहब अब एक एक सीट का आकलन करते हैं। मेरठ को आज कैसे देख रहे हैं? मेरठ बागपत 2 सीटें बड़ी कसम कसे, और बागपत में RLD की परीक्षा है, कैसे देख रहे हैं? बागपत में आज मैं जब 4:30 बजे बात कर रहा था तो वहां पर जो लोगों ने मुझे बताया उन्होंने उनका कहना यह था कि इस पूरे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और रालोद के कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय नहीं बन पाया। समन्वय ना बन पाने के कारण भारतीय जनता पार्टी उसको रालोद के कैंडिडेट को नुकसान उठाना पड़ रहा है। ये बात अलग है कि मतलब इस इतना नुकसान नहीं होगा, लेकिन कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि रालोद और गठबंधन का प्रत्याशी श्री अमरपाल शर्मा बहुत अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं। अमरपाल शर्मा को बहुत पहले जब ये समय के समय पर उनको मैदान में उतारा गया, उसके बावजूद भी उन्होंने अपने चुनाव को टक्कर पर लाकर खड़ा कर दिया है। जहां तक जो सेकुलर वोट है उसका वोट वो 95% लेने में कामयाब रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि अगर पंडितों ने अमरपाल शर्मा को एकमुश्त होकर वोट दे दिया होगा तो बागपत में भी परिणाम चौंकाने वाले आ सकते हैं। यही हाल आपने मेरठ का मालूम किया, यही हाल मेरठ में भी मालूम हुआ। मेरठ में मैं अपने प्रभारी से बात कर रहा था तो उनका कहना यह था कि चुनाव से पहले जो माहौल था वो आज सुबह जब मैं पोलिंग बूथों पर गया तो वहां के हालात जुदा जुदा थे, और एक तरफ गठबंधन था और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट थे, दूसरे तीसरे तीसरे कैंडिडेट का कोई जिक्र ही नहीं था। यही हाल हर जगह अमरोहा में भी हुआ। अमरोहा में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस कैंडिडेट श्री दानिश अली के दरमियान चुनाव है। यह भी हो सकता है कि जहां मतलब गढ़ मुक्तेश्वर की तरफ से जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं कि उन्हें ठाकुरों ने भी, सैनियों ने भी और कश्यप ने भी अच्छी खासी तादाद में वोट दिया है। अगर ये वोट वास्तव में पोलिंग बूथ पर EVM में कैद हो गया तो अमरोहा के भी परिणाम चकित करने वाले होंगे, क्योंकि दानिश अली को जीत वाला कैंडिडेट नहीं माना जा रहा था, क्योंकि भारत विपक्ष के कैंडिडेट विपक्ष की वोट की वोटों में दानिश अली का भारी विरोध हो रहा था, और कई उनके कार्यक्रमों में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में आपस में झगड़े भी हुए हैं। इसके बावजूद भी दानिश अली 95% वोट लेने में कामयाब रहे हैं विपक्ष के। बिल्कुल ठीक। हमारे साथ आदरणीय पीयूष पंसर आ गए हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और जिस हिसाब से आप बता रहे हैं उस हिसाब से तो मामला बड़ा उलझा हुआ दिख रहा है। अगर ये आलम मथुरा, जैसे मथुरा का दर्शक कह रहा है कि क्या गेहूं काटने से वोट थोड़ी मिलेगा, अगर आप आके चुनाव के दौरान आके गेहूं काटने लगो और आप गंगा में जमुना मिला रहे हो, यमुना की नदी, और आप कह रहे हो गंगा का पानी ले आए, यमुना का बोलती तो मान सकता था आदमी, लेकिन गंगा तो मथुरा से बहुत दूर है, कैसे लाई गंगा वाटर? ये सब चीजें बड़ी, सांसद किसी ने सवाल कर लिया कि आप यहाँ मिलोगे नहीं, तो उन्होंने कहा मेरा काम मिलना थोड़े ही है, मेरा काम तो यहाँ आना है, वोटरों का वोट लेना है, बाकी काम तो हमारे विधायक हैं, तो यहाँ मिलने के लिए जुलने के लिए ये काम विधायकों की जिम्मेदारी पर है, मिलने जुलने का काम हमारा नहीं है। पीयूष सर, दूसरे चरण का भी चुनाव हो गया, अब 190 सीटों पर चुनाव हो चुका है, एक सीट निर्विरोध हो गई,
191 सीटों का मामला सुलट गया। आज 88 सीटों पर चुनाव था, इन सीटों पर जो 88 में बीजेपी के पास 50 थी। कैसे आकलन करते हैं? आज वोटरों में उत्साह नहीं है, वोटर कोई किसी से पूछ कह नहीं रहा है, सब भगवान के भरोसे पर है। आखिर सरकार से इतनी उदासीनता क्यों? देखिए कुमार जी, उदासीनता इसलिए है क्योंकि लोगों का मोह भंग हुआ है, और मोह भंग इसलिए हुआ है कि जो लोगों के मुद्दे हैं, सरकार जो है बड़ी बड़ी बातें करती रही, लेकिन उनके मुद्दों को जो है उसका निपटारा करने में या वो कहीं भी सफल नहीं रही, उन मुद्दों को एड्रेस करने में सफल नहीं रही। आप देख लीजिए, अगर आप रोजगार की बात कर लीजिए, तमाम बड़े बड़े वादे करने के बावजूद जो है सरकार बुरी तरह फेल रही है उन वादों पे, और बेरोजगारी लगातार जो है वो सुरसा के मुंह की तरफ बढ़ती चली गई है लगातार। ये अभी अभी देखिए, और तमाम तमाम इस तरह के जो अध्ययन हुए हैं, तमाम जो इस तरह के सर्वे किए गए हैं, वो सरकारी गैर सरकारी तमाम ये इस बात की तरफ इशारा करते रहे हैं कि लगातार जो है बेरोजगारी इस देश में बढ़ती चली जा रही है। युवा बेरोजगार हो रहे हैं, उनके पास कोई रोजगार नहीं मिल रहा है, कोई नौकरी नहीं मिल रही है। और सबसे बड़ी बात तो देखिए, आईएलओ की अभी रिपोर्ट आई है जो एक बहुत बड़ा खुलासा है, जो ग्रेजुएट है उसमें जो है 29% जो है बेरोजगारी है। तो ये तमाम चीजें हैं जिसके चलते जो है, और सरकार जो है वो बड़े बड़े दावे कर रही है, बड़े बड़े दावे करती रही है, लोगों को भटकाती रही है, और आज भी हम देख रहे हैं चुनावों में जो है किस तरह से जो है भटका रही है, उन मुद्दों को एड्रेस नहीं कर रही है जनता के। देखिए तमाम बातचीत जो ग्राउंड लेवल से आ रही है, और तमाम इसके पहले के जो भी सर्वे हुए उनमें दो ही मुद्दे छाए रहे लोगों, लोगों ने हर इन्हीं मुद्दों को प्राथमिकता से कहा कि बेरोजगारी टॉप पे और उसके बाद महंगाई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उसके और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने इन इन मुद्दों को एक छुआ तक नहीं है, इसमें जवाब देने के बजाय जो है वो धीरे धीरे, जब उनको लगा कि जनता जो है का मोह भंग उनको दिखने लगा कि जनता का टर्नआउट जो है उस हिसाब से नहीं हुआ जैसे कि अपेक्षा थी, और लोग नहीं आ रहे हैं उस तरीके से, खासकर हमने देखा इस बार के चुनाव में कतारों से वो युवा गायब थे जो नए वोटर होते हैं, उनमें कोई उत्साह नहीं था वोट देने का। यहां तक कि इस बार का आंकड़ा ये है कि जो नए नए जो है फर्स्ट टाइम जो वोटर है उनमें से सिर्फ 37% युवाओं ने ही अपने अपना जो है वोटर कार्ड बनवाया, अपने को रजिस्टर्ड कराया है। तो पूरे चुनावी प्रक्रिया से, नेताओं से, सरकार से लोगों का मोहभंग, खासकर युवाओं का मोहभंग हो रहा है। मुझे लगता है एक बड़ा कारण ये है कि टर्नआउट जो है, और भी कारण तो हो सकते हैं और है भी, जैसे कि गर्मी का होना, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि फसल कटने का जो चल रहा है सिलसिला जो है, कई और कारण भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है मुख्य कारण खासकर युवाओं को लेकर जो एक मायूसी उनमें पैदा हुई है। लगातार जिस तरह से पर्चे लीक हुए हैं, परीक्षाएं जो है कैंसिल की गई हैं, मोटी मोटी फीस लेके जो है सरकारों ने परीक्षाओं को कैंसिल कर दिया है, इम्प्लॉयमेंट नहीं दिया है, वो तमाम चीजें हैं जो लोगों को मायूसी पैदा हुई युवाओं की, और वो लगातार जो है अपना आक्रोश एक जो है एब्सेंट होके दिखा रहा है, वो सीधे सीधे नकार दे रहा है वर्चस्व वजूद को जो है सरकार के। वो कह रहा है कि हमारे नजर में आप हो ही नहीं, आप अगर हमें रोजगार नहीं दे सकते, आप हमें नौकरियां नहीं दे सकते, तो आप आपका कोई मतलब नहीं हमारे लिए, तो हम वो लंबी लाइन में क्यों खड़े हों ना वोट देने के लिए। तो मुझे लगता है ये तमाम चीजें हो रही हैं, और जिस तरह से देखिए
एक बात आपने कही कि ये किस करवट बैठ रहा है, क्योंकि कोई उत्साह नहीं है। निश्चित रूप से एक माहौल जो होता था वो माहौल नहीं, धीरे धीरे जो है चुनाव दर चुनाव तो माहौल मैंने देखा लगातार घटता जा रहा है, लेकिन इस बार तो सन्नाटा सा है पूरी तरीके से। एक्सक्यूज मी। तो मुझे लगता है कि वो जो है वो इसीलिए है कि अब लोगों ने जो है कि उसको छोड़ के सरकार, जो मैं एक बात कहना चाह रहा था कि जिस तरह से सरकार जो है और खासकर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री लगातार जिस तरह के सांप्रदायिक मुद्दा ले आए हैं, और जो है कि कांग्रेस के खिलाफ जो उन्होंने एक तरीके से जो है कि एक युद्ध छेड़ दिया है, और वो भी गलत गलत तरीके से, मतलब गलत चीजों पे, गलत फैक्ट्स के आधार पे, जो है नहीं फैक्ट्स उनको आगे वो आगे चीजें बताते हुए उनके जो है कि मैनिफेस्टो के जो है कि ऐसी चीजों को बता देना जो वहां एग्जिस्ट नहीं करती हैं। यहां तक कि अमित शाह जी आज कह रहे थे और योगी जी भी कह रहे हैं कि साहब यहां तो सर हो सकता है क्या? तो इस तरह की मनगढ़ंत बातें करके और मिसलीड करके जिस तरह से चुनाव को डाइवर्ट किया जा रहा है, सांप्रदायिकता के आधार पर चुनाव लड़ने की कोशिश की जा रही है, मुझे लगता है वो वोटरों को और भी जो है दूर करेगा। और आज का अगर आप देखिए जो वोटिंग बहुत उत्साहित करने वाली नहीं है भारतीय जनता पार्टी, लगातार लगातार मतदान का दायरा जो सिमटता चला जा रहा है उससे बिल्कुल सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर मतदाता क्यों उत्साहित नहीं हो रहा है। 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अन्ना जी जैसे आंदोलन के कर्मकार के ऊपर भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर आई थी, भ्रष्टाचार को लेकर पूरे देश में उबाल था, पूरा देश वोट करने निकला था, भाजपा के पक्ष में बड़ी लहर थी, तब भाजपा 272 सीटें जीत पाई। 2019 के चुनाव में वो हिंदुत्व का मुद्दा, वो राष्ट्रवाद, भाजपा 303 सीट जीत पाई। इस बार न लहर है न मुद्दा है, विपक्ष का भी मुद्दा गर्म है। ऐसे में तौसीफ साहब क्या बीजेपी के ही राहें आसान हैं, या फिर 200 के आसपास सिमटती दिख रही है भारतीय जनता पार्टी? तौसीफ साहब तौसीफ जी, तौसीफ जी से कुछ नेटवर्क की सुना, क्या सर दिख रही है 200 के आसपास सिमटती हुई भाजपा? पीयूष सर पीयूष सर से भी कुछ नेटवर्क इशू है, मैं लगातार यही सबसे दर्शकों से भी सवाल कर रहा हूं, क्या इस बार आपके इलाके में क्या रुख है, कमेंट लिखिए और सवाल कीजिए, क्योंकि निश्चित तौर पर इन आदान प्रदान के सवालों से, आदान प्रदान की गई बातचीत से एक रुख साफ होता है और उससे पता लगता है कि आखिर हम चाहते क्या हैं। इस देश को एक शिक्षा परक रोजगार परक सरकार चाहिए, मैं लगातार इस सब पर चर्चा करता रहा हूं पिछले कई वर्षों से, तीसरा वर्ष ये चल रहा है, 25 अक्टूबर को पूरा हो जाएगा। इस देश को एक शिक्षा परक, एक रोजगार परक, एक स्वास्थ्य परक सरकार चाहिए। देश में शिक्षा स्वास्थ्य बड़ा मुद्दा है। तौसीफ साहब हमारे साथ आ गए। तौसीफ साहब, जब कोई लहर नहीं है तो क्या भारतीय जनता पार्टी कैसे करेगी 400 का बेड़ा पार, या फिर दमदार बेड़ा पार तो दूर, 200 के आसपास ही ना सिमट जाए कहीं? दो फेस निमट जाने के बाद जो भी हालात नजर आ रहे हैं वो 200 के आसपास ही रहने की उम्मीद की जा रही है। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा शुरुआती दौर में आज से 3 महीने पहले, 4 महीने पहले जो हालात नजर आ रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का कोई मुकाबला करने के लिए भी शायद मैदान में ना हो, और भारतीय जनता पार्टी तो 400 पार का दावा कर रही, नारा दे रही है, लेकिन हो सकता है ये 500 पार ना हो जाए, जैसे 5-4-5 महीने पहले के हालात नजर आ रहे थे।
लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता चला गया और दो फेस चुनाव हो भी चुका है 191 सीटों पर लगभग, तो आज सूरत हाल बहुत ही ज्यादा गंभीर, भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय, और उन्हें चिंतन चिंतन करना भी चाहिए, मनन भी चिंतन मनन करना भी चाहिए कि बिल्कुल हालात पैदा क्यों हुए। हालात पैदा होने ये इस तरह के हालात पैदा होने के कारण जो रस रस कर बाहर निकल कर आ रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित कर रहे हैं। लोगों का कहना ये है, भारतीय जनता पार्टी से जो लोग जुड़े हुए लोग थे उनका कहना ये है कि ब्यूरोक्रेट के हाथ में चला गया सब कुछ, नेताओं के हाथ में कुछ नहीं रहा, जो ब्यूरोक्रेट्स फाइनल कर रहे हैं वही हो रहा है। हम आज की पोजीशन में किसी अधिकारी का ट्रांसफर कराने के दूर, जो लूट मचाई कर रहे हैं क्षेत्र में अधिकारी, उनको उनकी शिकायत तो कर शिकायत करने के बाद उनका प्रमोशन हो रहा है, उनको और ज्यादा अच्छी चीज अच्छी सीटों पर भेजा जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदेह साबित हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता के द्वारा ये नहीं कहा जा सकता कि अगर किसी ने उनकी शिकायत की तो उस पर अमल करते हुए उसको हटा दिया जाता है या उसको ऐसी जगह लगा दिया जाता है जिससे उस कार्यकर्ता को मनोबल ऊंचा हो सके। यहाँ तक कि आरएसएस के लोगों का भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जहां तक अभी हमारे वरिष्ठ और सम्माननीय बंसल जी कह रहे थे कि रोजगार, बेरोजगारी, महंगाई, ये अपने अपनी जगह बना चुकी है जनता में, लोग तरह तरह ही कर रहे हैं, लेकिन हालात ये हैं, इतने डर इतना भय लोगों में हो गया था कि अगर हम विरोध करेंगे तो हमारा हमारे खिलाफ एफआईआर हो जाएगी, हमारे घर ईडी आ जाएगी, हमारे यहाँ सीबीआई आ जाएगी, हमारे यहाँ प्रवर्तन निदेशालय का मामला बाहर खड़ा हुआ दिखाई देगा। ये वजह रही जो लोगों ने अपना विरोध नहीं दिखा पाए, जो अब मतदान केंद्रों पर नजर आ रहा है। आप ठीक कह रहे हैं तौसीफ साहब। हमारे साथ पीयूष सर फिर आ गए हैं और पीयूष सर से फिर वही मेरा सवाल कि पीयूष सर, आपका अपना एक तजुर्बा है, अनुभव है, क्या कभी ऐसा हुआ कि जो सरकार देश हित में काम करती हो, देश हित में राम राज्य लाई हो, विश्व में डंका बज रहा हो, पूरा देश खुश हो, उसके प्रति लोगों को वोट करने की उदासीनता, लोग वोट करने नहीं निकल रहे हैं घरों से? जी पीयूष हाँ, सर देखिए जी, शिव कुमार जी, बिल्कुल ये देखिए, ये बड़ा ही आश्चर्य की बात लग रही है कि आखिर ऐसा क्या हो गया है। क्योंकि देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपना ट्रैक बदला है, वो साफ दिखाई दे रहा है कि वाकई लोग जो है उनके पक्ष के लोग नहीं आ रहे हैं। क्योंकि ये आकलन, ये कंक्लूजन करने के लिए हमें मजबूर होना पड़ रहा है कि आखिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी भारतीय जनता पार्टी को कि अचानक उन्होंने जो है अच्छा खासा वो जो है 2047 की बात कर रहे थे, जो है कि एक विकसित भारत की बात कर रहे थे, 3 ट्रिलियन जो डॉलर इकोनॉमी की बात कर रहे थे, वो अचानक जो है वो ये कहां से आ गई कि साहब आपका पूरा जो है संपत्ति छीन ली जाएगी, आपका मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा, और वो जो एक समुदाय विशेष जो है जिसको आतंकवादी और जिसको जो है कि घुसपैठिए और जिसको बच्चों वाला तमाम तरह के जो है विशेषणों से नवाजा गया उस तरीके से, वो भी प्रधानमंत्री के द्वारा, तो ये जो ट्रैक बदला है ये वही माफ कीजिएगा थोड़ा गला आज खराब है, तो ये वही ट्रैक है जो भारतीय जनता पार्टी जब हताशा के दौरान जिसको अपनाती है लगातार। और हालांकि ये जो देखा उनका एक छद्म जो है कि
राष्ट्रवाद और जो है कि ये सांप्रदायिकता जो है उनका टाइम टेस्टेड एजेंडा है, टाइम टेस्टेड जो है हथियार है जिसका वो इस्तेमाल करती है। लेकिन अभी चुनाव से पहले तक लगातार नरेंद्र मोदी जी जो है वो लगातार जो है मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी और गारंटी की बात कर रहे थे और ये कह रहे थे कि सिर्फ जो है कि विकास और विकास की बात कर रहे थे और अचानक ये जो मोड़ ले लिया पहले चरण के बाद, तो ये साफ इससे एक अंदाजा लग सकता है कि कहीं ना कहीं जो है इनका जो मतदाता रहा है, इनका मतदाता जो रहा है वो जो है कहीं ना कहीं इनसे उदासीन हो गया इस बार और उसने खुद विश्वास खो दिया है अपने नेतृत्व के ऊपर। वरना इस तरह से जो है बेसिर पैर की बातों का की माला जपना जिस तरह से किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा, मुझे सबसे बड़ा हास्यास्पद तो लगा जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस होड़ में शामिल हो गए और उन्होंने यहां तक कह डाला कि कांग्रेस जो है वो आगे चलकर अगर आ गई तो जो है ये जो है रक्षा जो है कि सेना में भी जो है मुसलमानों को जो है वो आरक्षण दे देंगे। ये कहीं से कहां से बेसिर पैर की ये खबरें लेके आ रहे हैं, बातें लेके आ रहे हैं और इस तरह की बातें कर रहे हैं, ये साफ साफ इनकी हताशा दिखाई दे रही है। लेकिन शिवकुमार जी मुझे लगता है कि अब जो इनका हिंदू मतदाता है वो भी कम से कम उसका जो एक एक शहरी जो एक मतदाता है अब उसमें भी एक तरीके से मुझे लगता है एक जिसे कहते हैं कि क्या नाम वितृषा तो मैं नहीं कहूंगा लेकिन एक कहीं ऊब सी हो गई है कि अरे ये क्या बार बार वही, बार बार वही वही चीजें आप कर रहे हो, वही चीजें कर रहे हो। तो मुझे लगता है वो एक संकट जो है भारतीय जनता पार्टी के सामने है और इसीलिए हमने देखा कि देखिए किस तरह से नरेंद्र मोदी जी पहली बार जो है रात में जो है वो आपके क्या नाम यहाँ नागपुर में रुके, वो उन्हें एक रात काटी वहां पर। बड़ा नरेंद्र मोदी कभी प्रधानमंत्री बनने के बाद कभी नागपुर में रुके नहीं, लेकिन वो संघ से उन्होंने जो है चर्चा करी, संघ से खबर तो ये भी आ रही है कि संघ की उन्होंने काफी मान मनौवत करी कि साहब हमें बचा लो, हमें बचा लो, हमारे लिए कुछ करो, क्योंकि खबरें ये भी थी कि संघ भी में भी कहीं नाराजगी थी प्रधानमंत्री मोदी के स्टाइल को लेके, स्टाइल ऑफ गवर्नेंस, स्टाइल ऑफ वर्किंग, जहां वो पार्टी से ऊपर अपने को मोदी की गारंटी तक उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था। तो कहीं संघ में भी नाराजगी थी और संघ जो है इस बार पूरी तरीके से उनके समर्थन में आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था, इसीलिए उनको वहां रुकना पड़ा, गिड़गड़ाना पड़ा, ये ऐसा कहा जा रहा है। ये खबरें हैं, तमाम जो लोग जानकार हैं जिनको वहां की खबरें पता है वो इस तरह की बात कह रहे हैं कि अंत में वरना जो है कि एक दिन रुकना ना कोई एक रात रुकना नरेंद्र मोदी जी का, ये बताता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। और उसके बाद देखिए कैसे जो है ये भी लोग कह रहे हैं कि संघ ने ही कहा कि भाई अगर तुम्हें चुनाव जीतना है तो सांप्रदायिकता पे ले आओ, कितना सही है मैं नहीं जानता, लेकिन ये सही दिख रहा है कि जिस तरह से सांप्रदायिकता को पूरी तरीके से जो है घोल के मिला दिया गया है ये प्रचार में पूरी तरीके से, वो ये साफ दिखाता है कि कहीं ना कहीं हताशा है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। और प्रधानमंत्री मोदी भी ये समझ रहे हैं कि 400 पार की बात तो बहुत दूर है, 272 भी हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये भी जो एक शंका कहीं ना कहीं पैदा होने की संभावना दिखाई दे रही। आप ठीक बात कह रहे हैं सर, लेकिन तौसीफ साहब अभी पंत सर ने बहुत कुछ बातें की, लेकिन इस बार जो आरएसएस का रुख रहा, आप लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं, राजस्थान से भी रिपोर्ट है, बिहार से भी रिपोर्ट है, बंगाल से भी है, महाराष्ट्र से भी है, आरएसएस का रुख क्या रहा इस चुनाव में? निस्तेज रहा है, लगातार ये खबरें आ रही है बीजेपी का खेल बीजेपी बिगाड़ रही है, लगातार बीजेपी के लोग बीजेपी के पीछे पड़े हुए हैं। और जब विद्रोह कब होता है, जब सत्ता शीर्षस्थ नेतृत्व पर पहुंच जाती है, सत्ता के लिए सबकी बाछा खुली होती है, सत्ता सबकी
जरूरत हो जाती है, क्योंकि आज सत्ता बीजेपी है लगातार 10 वर्ष से, तो सबको जरूरत अब सत्ता के केंद्र बिंदु की है। लोग केंद्र बिंदु से दूर किए जा रहे हैं, किसी की टिकट कट रही है, कोई संगठन से निकाला जा रहा है, तो नाराजगी तो होती है। नाराजगी तो वही होती है जो सत्ता में होता है, विपक्ष में आपस में नाराजगी नहीं होती है। वो तो पार्टी छोड़ के चला जाता है, उसका मन बदल जाता है, उसकी घर वापसी हो जाती है, वो उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है जिसे कहा जाए। लेकिन जो सत्ता में होते हैं वो सत्ता की भलाई भी नहीं छोड़ना चाहते हैं, उनका हृदय परिवर्तन क्यों हो जाए। मैं आज सोशल मीडिया में वायरल हो रहा था, मेरे पास 3 दिन पहले एक वीडियो आ गया था, जगदम्बिका पाल को लोग उनके साथ धक्का मुक्की कर रहे हैं सिद्धार्थ नगर में। क्या हो क्या रहा है इसको देश को? देखिए ये शिवकुमार जी, ये जो तमाम बातें हम कह रहे हैं उसमें एक और जोड़ दीजिए आप कि जनता में गुस्सा है। और देखिए क्या हुआ, मोदी जी की गारंटी और मोदी जी का ये कहना बार बार कि साहब जो है कि मैं हूं ना, आप मुझे वोट दीजिए, सीधे मोदी की गारंटी है, मोदी को वोट दीजिए। उसका दुष्परिणाम ये हुआ है कि लेथार्जी आ गई, जो भी सांसद जीत के आए मोदी के नाम पे जीत के आए उनमें एक लेथार्जी पैदा हो गई। उनको ये लगने लगा कि साहब हमको तो जीत के आना ही है, बस टिकट अपना जुगाड़ कर लो, जीत के तो मोदी हमें जितवा देंगे। तो वो जो है लौट के कभी जनता के बीच में गए नहीं, और उसका सीधा सीधा गुस्सा आपने दसियों ऐसे उदाहरण देखे, आप खुद एक बता रहे हैं जगदम्बिका पाल का, हमने बिहार में देखा, उत्तर प्रदेश में देखा, हरियाणा में देखा, हर जगह जो खदेड़ रही है जनता, जितने सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, और आज भी देखिए इस चुनाव के दौरान भी ये जो वोट पड़ रही है, मैंने देखा आज भी कुछ मतदाता कह रहे थे कि साहब सांसद से तो बहुत नाराजगी है, ये पलट के कभी आए नहीं जीतने के बाद, लेकिन हाँ मोदी और योगी जो है हम तो उनको वोट देंगे। लेकिन ये नाराजगी सांसद से, सांसद आए नहीं लौट के कभी। तो ये एक बहुत बड़ा कारण मुझे लगता है, जनता में एक गुस्सा है, और एक जनता इससे ये भी आका जा सकता है कि जनता एक कहीं ना कहीं जो है मोह भंग हो की स्थिति में पहुंच गई है कि न तो हमारा सांसद सुनवाई करता है, न सांसद आता ही नहीं है, तो सुनेगा क्या। लेकिन उसके बावजूद जो है एक मोह भंग अभी जनता का नहीं हुआ है कि फिर योगी और मोदी किस काम के। अगर आपका सांसद आपके काम नहीं करवा पा रहा है, अगर आपके गांव की सड़क अभी भी वैसे ही पड़ी है, आपके गांव के पानी नहीं पहुंच रहा है, आपकी जो है कि सफाई नहीं हो रही है गांव में, तो फिर वो तो काम जो सांसद के या विधायक के हैं अगर वो नहीं कर रहा है, तो फिर योगी और मोदी जी किस काम के हैं। तो उस पे उससे एक जो आकर्षित होना कि वो है साहब वो ठीक है, बाकी ये तो बेकार है, मुझे लगता है वो स्थिति भी शायद लोगों की उस स्थिति पे भी पहुंचेंगे ही वो, क्योंकि जो है कि आज जो मोहभंग की स्थिति हमें साफ दिखाई दे रही है कि लोग जो है अब एक उदासी पैदा हो गई है, खासकर युवाओं में ये दिखाई दे रहा पूरी तरीके से, युवाओं का मोहभंग हो गया है पूरी तरीके से इस चुनाव के साथ, इस चुनावी प्रक्रिया के साथ और सरकारों के साथ, एक जो है कि वो किसी वो उनके उनकी समस्याओं का कोई समाधान तो दे नहीं रही है, तो फिर वोट किस बात का हम दे उनको। तो ये एक बहुत शिव कुमार जी, ये बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि चुनाव में जो है मतदान बढ़ चढ़ के होना चाहिए, बढ़ चढ़ के लोगों को अपनी 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 पसंद को जो है कि वहां पे पेश करना चाहिए, बटन दबाना चाहिए और अपनी सरकार चुननी चाहिए, कोई भी सरकार वो चुनना चाहे चुननी चाहिए। लेकिन अगर उदासीनता पैदा हो जाए मतदाताओं में तो ये एक गंभीर विषय है, न केवल पूरी सरकार पे एक सवाल उठता है बल्कि जो है कि पूरे लोकतांत्रिक प्रक्रिया पे भी सरकार उठता है, और सबसे बड़ा सवाल गवर्नेंस पे उठता है कि सरकार कर क्या रही है, सरकार जो है जनता के पैसे से जो सरकार चल रही है वहां पे वो सरकार बैठे बैठे कर क्या रही है, क्या वो मुफ्त मुफ्त में वहां बैठी हुई है लोगों के पैसे का, जो जनता के पैसे से जो जो ले रही है वो जनता को क्या दे रही है, वो ऐसे ही बैठी हुई है। तो ये सवाल जो है बहुत बड़ा आज जो है खड़ा हो गया है। जी शुक्र
तौसीफ साहब, क्या आरएसएस ने इस बार बीजेपी की मदद की या नहीं? असल में मिश्रा जी, आरएसएस जो है मदद करना भी चाहता है लेकिन वो कर नहीं पा रहा है। मतदाताओं में इतना विरोध है कि हम अंदाजा नहीं लगा सकते। मतदाताओं का विरोध जो है वो बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। आरएसएस बहुत प्रयास कर रहा था, करता भी है और उसने किया भी, लेकिन जब हालात जमीन पर अपने अनुकूल नहीं पाए तो उसने कदम पीछे खींच लिए, क्योंकि आरएसएस अपनी साख को मोदी के नाम पर गंवाना नहीं चाहेगा। आरएसएस ने अपनी एक साख बनाई है कि हम ऐसे हैं संगठन, हमारा सामाजिक कार्य करते हैं, हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, जबकि है सब चीज, हर चीज पर आरएसएस अपना एकाधिकार रखता है। वो बात, ये बात अपनी जगह है, लेकिन दिखाने के लिए वो ये प्रदर्शित करता है कि हमारा राजनीति से या सत्ता से कोई सरोकार नहीं है। यही बात आम मतदाता की जरूरत जो है वो बेरोजगारी, महंगाई, इसको लेकर है। इस पर नरेंद्र मोदी बात करने को तैयार नहीं है और ना ही पूरी भाजपा बात करने को तैयार नहीं है। उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान पर है, जो अब दो फेस के चुनाव खत्म होने के बाद ये पूरे तौर पर, पक्के तौर पर कहा जा सकता है कि हिंदू मुसलमान होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। अब चुनाव मुद्दों पर होगा, बेरोजगारी पर होगा, महंगाई पर होगा, और जहां तक विकसित भारत की बात करते हैं, सिर्फ विकसित भारत कहने से विकसित नहीं होता है, दिमागी रूप से भी विकसित होना पड़ता है। आपका दिमाग विकसित है कि नहीं है, देश विकसित तब होगा जब आप दिमागी रूप से विकसित हो चुके होंगे। आज भी आप देश के प्रधानमंत्री होने के बाद आप हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, आप एक बहुत बड़े वर्ग को भगोड़ा, मतलब घुसपैठिया करार दे रहे हैं। क्या ये प्रधानमंत्री पद का ये उनकी पद के अनुरूप है, उसकी गरिमा को, गरिमा के अनुरूप है? ये भी सवाल लोगों के दिमाग में है। एक हद तक हिंदू मुसलमान की बात को, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, एक हद तक उसकी एक सीमा होती है। 10 साल बहुत बहुत लंबा पीरियड होता है, बहुत लंबा एक वक्त होता है, उसमें लोगों ने यही बातें सुनी है, इसके अलावा कोई बात करने को तैयार नहीं है। कोई कहता है शरिया कानून लागू हो जाएगा, शरिया कानून लागू पाकिस्तान में तो हुआ नहीं आज तक, हिंदुस्तान में कैसे हो जाएगा? अजीब तरह की बात करते हैं, और जो लोग उनकी इन बातों को मानते हैं या समझते हैं वो भी, मतलब क्या, किस तरह का दिमाग रखते हैं, कैसा दिमाग रखते हैं? विकसित भारत होने में कोई कमी नहीं है, विकसित भारत होगा, लेकिन उसके लिए हमें दिमागी रूप से तैयार होना पड़ेगा, हमें हिंदू मुसलमान की बात से ऊपर उठना पड़ेगा, तब जाकर विकसित भारत की ओर हम बढ़ेंगे। नहीं तो विकसित भारत की बात एक सपना है, वो सपना ही रह जाएगा। और भारत का जो खमीर है, भारत के लोगों का जो एक मिजाज है, उसको हमारे पुरखों ने हमें दिया है। हमारे पुरखे, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, उन्होंने बताया है कि भारत एक सब धर्मों का एक ऐसा गुलदस्ता है जिसमें सब रहते हैं, सब का अपने अपने हिसाब से। आज अलीगढ़ की क्या तौसीफ साहब, अलीगढ़ की क्या रिपोर्ट है, अलीगढ़ की क्या रिपोर्ट है? अलीगढ़ में मात्र 56% पोल हुआ है, और बूथों का हाल ये था, जहां अभी हमारे प्रदीप शर्मा जी हैं, उनसे मैं बात कर रहा था आपसे जुड़ने से पहले, तो उनका कहना ये था कि जिस तरह के हालात 2019 में 62% मतदान हुआ था, आज हालात ये हैं कि यहाँ भी मतदान की संख्या घटी है, और उस घटने में सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो भारतीय जनता पार्टी को होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक ऐसा मखौटा तैयार किया था 2014 में, जिसे गुजरात मॉडल कहा जाता था, जबकि वो कुछ था ही नहीं,
जमीन पर कोई गुजरात मॉडल नहीं था, सिर्फ और सिर्फ लोगों के दिमाग में भारतीय जनता पार्टी का सांप्रदायिक वोटर, वो चाहे कोई भी हो, वो सांप्रदायिक वोटर मात्र 15 से 20% है। बाकी जो वोट उनके साथ गया हुआ था वो गुजरात मॉडल के नाम पर गया था, भ्रष्टाचार के विरोध में गया था, जो गढ़ा हुआ भ्रष्टाचार था, ना कि कोई भ्रष्टाचार था। 13 में जो आंदोलन आरएसएस द्वारा बैकबोन पर खड़े होके अन्ना हजारे की पीठ पीछे जो आरएसएस ने एक माहौल तैयार किया था, उसके उस भ्रष्टाचार के खिलाफ लोग भारतीय जनता पार्टी को पसंद किया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, जो भ्रष्टाचारी थे, चाहे वो कोई भी भ्रष्टाचारी था, जिसे आप भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारी कहती थी, आज वो भारतीय जनता पार्टी में उस पद पर है। वो अब किस शाम 6 बजे तक का मतदान का आंकड़ा गया, वो आंकड़ा गया कि समर्थन प्रस्तुत करते हैं। अगर बात करें 6 बजे मेरठ सीट की तो 59% मतदान हुआ, बागपत पर 56.72%, गाजियाबाद पर 49.76%, यानी 50% पूरा मतदान नहीं हुआ है। यहाँ देखिए आप, यहाँ कितना डैमेज हुआ है, हापुड़ जिले में 59.72%, बुलंदशहर जिले में 57.52%, नोएडा में 49.95%, यानी अभी 50% मतदान के आंकड़े नहीं है, मतदान काफी स्लो जा रहा है। और मथुरा में अगर एवरेज करें तो ये 6 बजे तक की स्थिति है, हालांकि इसमें अभी ऊपर नीचे होगा। आप नोएडा और गाजियाबाद में मौसम बिगड़ चुका, बरसात हो रही है, कहीं ईवीएम भीग न जाए, सब कुछ हो सकता है, ईवीएम चा सकती है, ईवीएम खो सकती है, ईवीएम भीग सकती है, ये सब सोचना होगा। आज ईवीएम वीवीपैट को लेकर पूरे देश की निगाह सुप्रीम कोर्ट की ओर लगी थी, सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे पर लोग आवाज लगा रहे थे, उन्होंने कहा सारी याचिका खारिज कर दो, फिर महाराज इतने दिन से इन याचिकाओं को सुन क्यों रहे थे, शुरुआत में खारिज करते, खाम खा इतना महंगा वकील, इतने महंगे जज, सब उलझे पड़े हैं, तो और केस कम से कम 100 निस्तारित हो जाते हैं इन 4-5 दिन की सुनवाई में। लेकिन देश की जनता भी सवाल नहीं कर पा रही है, देश की जनता भी पूछ नहीं पा रही है, और मतदान न करना इससे हम जनता के साथ नहीं है, मतदान करना चाहिए। अगर आप अपने रोजगार की सरकार चुनेंगे तभी तो आएगी, वोट में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए, सरकार बदलना है बदल लीजिए, सरकार वही चुनना है चुन लीजिए, लेकिन मतदान करने, इस देश के प्रत्येक नागरिक का जो हक है, अधिकार है, जो हमें संविधान ने दिया है, वो हम जरूर प्रयोग करें। लेकिन पीयूष सर, मेरा आपसे सवाल है, निचले स्तर पर एक संदेश चला गया है संविधान बदल जाएगा, दलित पिछड़े में बड़ा इसकी होड़ मची है और वो अब एक तरफा वोट कर रहा है। आज गाजियाबाद में कुछ भी रहे परिणाम, बसपा के लोगों ने बिस्तर नहीं लगाई, किसी भी बूथ पर बसपा का झंडा और बिस्तर नहीं थे, क्योंकि लोगों को यह लग रहा है कि चुनाव बनाम बनवाई बन है, ऐसे में बनवाई बन चुनाव में हमें निर्णय लेना है। पीयूष सर, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए शिवकुमार जी, ये बात देखिए, जो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का कैंपेन अब ट्विस्ट, उसमें ट्विस्ट आया है, ये साफ दिखाई दे रहा है कि 1-to-1 चुनाव हो रहा है, और संविधान की बात जो है, जो विपक्ष कर रहा था, लगातार लोगों तक घर कर गई है, और ये लोगों को इसीलिए देखिए, इसीलिए ये प्रधानमंत्री मोदी जी क्यों ये चीज लेके आए कि ओबीसी, ये कांग्रेस जो है, जैसे कर्नाटक में इन्होंने किया था, ओबीसी जो का रिजर्वेशन से छीन के जो है मुसलमानों को दे देंगे पूरे देश में, ये सिर्फ इसीलिए हुआ है। उन्होंने कहा कि एससी एसटी का भी ये करेंगे, उनका भी कोटा छीन के जो मुसलमानों को दे देंगे, ये उसी का परिणाम है, ये उसी की वजह से है, जहां ये उनको दिखाई दे रहा है कि संविधान का संकट की बात जो है वो नीचे तबके तक लोगों को जमीन तक पहुंच गई है, और जो है कि वो चाहे ओबीसी है, चाहे एससी है, एसटी है, उसके समझ में ये बात आ गई है कि अगर जो संविधान नहीं रहेगा
ना हम रहेंगे, ना हमारी नौकरियां रहेंगी, ना हमें मिलने वाली और सुविधाएं रहेंगी। इसीलिए जो है प्रधानमंत्री मोदी जी जो है लगातार इस बात को अब कहने लगे। आज उन्होंने तमाम अपने जो है कि प्रचार वाले जो उनके जो भाषण थे, जो उनकी बैठे वो मीटिंग्स थी, उनमें उन्होंने इस बात को भी कहा कि ओबीसी का कोटा छीन के मुसलमानों को दे देंगे, SC ST का दे देंगे। ये इसीलिए सिर्फ कि इस तबके में ये बात इनको समझ में आ गई है कि अगर संविधान नहीं रहेगा और भारतीय जनता पार्टी अगर आ गई तो संविधान बदल देगी, और जो है कि वो नहीं रहेगा तो फिर हम नहीं रहेंगे, हमारा वजूद नहीं रहेगा, हमें मिलने वाले अधिकार नहीं रहेंगे, हमें मिलने वाली सुविधाएं नहीं रहेंगी, हमें जो शिक्षा मिलती है, जो शिक्षा में हमारा प्रवेश होता है, जो एक्सेस है हमारी एजुकेशन की, जो एक्सेस है हमारी जस्टिस की सिस्टम की, वो सब छिन जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। तो इसलिए मुझे लगता है ये बात आ गई है, और जो बात आप कह रहे हैं निश्चित रूप से इसीलिए जो है BSP के बस्ते नहीं दिखाई दे रहे हैं। और मायावती के लिए ये मुझे लगता है इसीलिए सबसे बड़ी बात है कि जो है कि मैंने भी देखा, देखिए नोएडा में मैं जब वोट देने गया तो कहीं नहीं था BSP का, हालांकि जो SP का तो था, इंडिया गठबंधन का था, लेकिन उसमें उतनी भीड़ नहीं थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाले में तो भीड़ थी, वहां होती है वैसे वो तो ये ज्यादा मोबिलाइज करते ही करते हैं, लेकिन वहां BSP कैंडिडेट था, लेकिन BSP का बस्ता गायब था। तो मुझे लगता है कि BSP के लिए भी उसने कैंडिडेट तो खड़े कर दिए, लेकिन इस बार का चुनाव उनके वजूद के लिए बहुत बड़ा संकट लेके आएगा, और जो BSP जो है वो 10 से 12% तो एक कोर उनका वोट होता ही होता था, उससे भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो है उसमें कमी होने जा रही है इस बार, क्योंकि जनता ने ये ठान लिया है कि हमें अगर क्योंकि ये चुनाव जो है उनके जीवन मरण का सवाल है, संविधान प्रदत्त जो भी उनके अधिकार हैं, जो भी उनको मौके मिलते हैं, जो संविधान देता है, जो बराबरी का दर्जा देता है, जो एक वोट का अधिकार देता है, सबके समान वोट का अधिकार देता है, वो सारी चीजें आगे चल के छिन सकती हैं, खत्म हो सकती हैं, ये बात घर कर गई है। और मुझे लगता है इसीलिए कहीं ना कहीं यही बात हमें लगती है कि कम प्रतिशत वोट का पड़ने के बावजूद कहीं ना कहीं ये हम उम्मीद कर सकते हैं इन बातों को ध्यान में रखते हुए कि हो सकता है कि विपक्ष के खेमे में उनके पक्ष में ज्यादा मतदान हुआ है बनस्पत जो है पक्ष के जो है पक्ष जो है सत्ता पक्ष के पक्ष, ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं इन बातों से। लेकिन ये बात तो 4 जून को ही ये बात सामने आएगी कि ये कम वोटिंग किसके पक्ष में रही है। हालांकि ये कहा जाता है कि कम वोटिंग से फायदा सत्ताधारी दल को ही होता है, क्योंकि अधिक मतदान जो है वही परिवर्तन की बात करता है अगर मतदान काफी अधिक है, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा ये होता है कि अगर 5 से 6% से ज्यादा मतदान पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं परिवर्तन होता दिखाई देता है। 1.5 से 2 और 3% अगर मतदान ज्यादा है तो हमने देखा इधर के कुछ सालों में कि वो जो है सत्ता पक्ष को ही मजबूत बनाता हुआ दिखाई देता है। बहरहाल ये बात तो 4 जून को ही साफ हो पाएगी कि ये जो कम प्रतिशत है मतदान का उस वो कौन सी कहानी लिख रहा था। बहरहाल हम कयास लगा सकते हैं और एक आकलन कर सकते हैं, जो हमें इंडिकेटर्स दिखाई दे रहे हैं उनके आधार पर हम कुछ आकलन कर सकते हैं और उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। शिव कुमार जी आप ठीक कह रहे हैं, और इसी पे एक इसी इन्हीं आंकड़ों पर मेरा तौसीफ साहब से सवाल है, मेरठ के क्या हाल है, मेरठ में राम जी के क्या हाल। हेलो, मेरठ में राम जी के हालात, तो राम जी जो वास्तव में राम जी हैं उनके हालात तो ठीक हैं और हमेशा रहेंगे, राम जी के हालात खराब नहीं हुआ करते, लेकिन हाँ जो स्वयंभू राम जी हैं उनके हालात ठीक नहीं है। जो हालात जो स्वयंभू राम जी हैं जो अपने आप से राम जी बनने की कोशिश कर रहे हैं उनके हालात मेरठ में ठीक नहीं है, और मेरठ में इंडिया गठबंधन का जो योगेश वर्मा की पत्नी है श्रीमती सुनीता वर्मा, उनका चुनाव
बहुत मजबूत दिखाई दे रहा है। मैं वहां ज्यादातर लोगों का कहना ये था कि दलितों ने भी भारतीय इंडिया गठबंधन के पक्ष में मतदान किया है, दलितों ने भी, क्योंकि हालांकि वहां त्यागी देवव्रत त्यागी चुनाव लड़ रहे थे बहुजन समाज पार्टी से, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने जिस बात को अभी हमारे पीयूष जी कह रहे हैं कि संविधान बचाने के चक्कर में, संविधान बचेगा तभी हम बचेंगे, उस वजह से हर जगह दलित समुदाय, SC ST समुदाय भारतीय जनता पार्टी के विरोध में मतदान करता दिखाई दिया है। और जहां तक अभी हमारे पीयूष जी कह रहे हैं कि कम मतदान सरकार के पक्ष में होता है, यकीनन ये बात सही है आदरणीय पीयूष जी, लेकिन इस बार के हालात जो हैं वो ऐसे संकेत दे रहे हैं, हमेशा ऐसा ही होता था जैसा आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन इस बार ये संकेत मिल रहे हैं जो विपक्ष का वोट है वो ज्यादा पड़ रहा है, जो पक्ष का वोट है वो कम पड़ रहा है, इसलिए वो विपक्ष का वोट ज्यादा होने की वजह से, ज्यादा पड़ने की वजह से वो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान करता दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी अपनी मेहनत में, अपने जो उनका एजेंडा है, जिस भी तरह का, जैसा भी एजेंडा कह लो उनका, अच्छा कह लो बुरा कह लो, मेरे हिसाब से वो खराब है, आपके हिसाब से अच्छा है, या किसी और के हिसाब से अच्छा है, मेरे हिसाब से अच्छा है या और किसी के हिसाब से खराब, ये तो एक अलग बात हो गई, ये तो व्यक्तिगत राय है अपनी, कोई किसी के पक्ष में होता है कोई किसी के पक्ष में होता है, लेकिन जमीन पर हालात भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नजर आ रहे हैं, वो अभी तक सुधरने की ओर जाते दिखाई नहीं दे रहे हैं। ले जहां तक भारतीय जनता पार्टी या विपक्ष का सवाल है, विपक्ष पहले ये होता था कि भारतीय जनता पार्टी एजेंडा सेट करती थी, उस पर विपक्ष अपना जवाब देता था, आज हालात ये हैं कि विपक्ष एजेंडा तैयार कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी उसका जवाब दे रही है, भारतीय जनता पार्टी के पास उसका जवाब देने के लिए कोई तर्कों के साथ जवाब नहीं दिया जा रहा है, ऐसे ही जिधर इधर उधर की बात कर मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी के अगर हो रहा है, बेरोजगारी, युवा जो बेरोजगार हैं उनकी समस्या सबसे बड़ी है, और वो सड़क पर मोदी मोदी भी करता था, योगी योगी भी करता था, आज किसी भी सभा में, चाहे मोदी की सभा हो चाहे योगी की सभा हो, पीयूष जी भी यहाँ बैठे हैं, आप भी मिश्रा जी यहाँ बैठे हैं, किसी सभा में ना तो कोई योगी योगी करता नजर आ रहा है ना कोई मोदी मोदी करता नजर आ रहा है, यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के कैडर में वो जान नहीं है जो 2014 में थी, जो 2019 में थी, ये ही नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होता दिखाई दे रहा है। लगातार इन सब बातों से क्या साबित होता चला जा रहा है? क्या जनता का सरकार से मोह भंग होता दिख रहा है? जहां संविदा कर्मी पिछले कई वर्षों से इंतजार में हैं कि हमें न्याय मिलेगा, रोजगार वाले युवक इस इंतजार में हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादा किया था 1 करोड़ रोजगार देने का, दो करोड़ महंगाई की मार को लेकर महिलाएं चिंतित हैं, सिलेंडर 400 का था, भारतीय जनता पार्टी सड़क पर थी, बड़े बड़े नेता स्मृति ईरानी, राजनाथ सिंह, गले में कद्दू लौकी की मालाएं, सर पर सिलेंडर, और 1200 तक होने पर कोई हलचल नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं। इन सब बातों से देश की जनता सवाल पूछेगी। लगातार बीजेपी के नेताओं के साथ, उम्मीदवारों के साथ पब्लिक सवाल कर रही है। आज फिर एक वीडियो वायरल हो रहा है, एक बड़े चैनल की पत्रकार के साथ फिर वहां उदम हो गया है उसके बिल्कुल प्रोग्राम में। तो इन सब चीजों से पत्रकारिता पर भी धक्का लगता है। क्यों नहीं ईमानदारी की पत्रकारिता कर रहे हो? लोग पत्रकार के पीछे आते थे, लोग पत्रकार का स्वागत करते थे, आज लोग पत्रकारों से भिड़ने पर तैयार हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लग रहा है कि उनके जो अधिकार की लड़ाई चल रही है उसमें आप उनका हनन करने में बराबर की सहभागिता निभा रहे हैं। हमारे साथ आदरणीय अजय प्रकाश जी, जनज्वार के संपादक, उनका स्वागत और अभिनंदन। और इधर उधर बहुत बातें हो चुकी हैं, सीधा इन्हीं से सवाल कर लेंगे कि आज के चुनाव को लेकर आप मथुरा भी घूम के आए हैं, आपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सभी सीटें घूम ली,
लेकिन आज भी मतदान में इजाफा नहीं हुआ, हिंदू मुसलमान का असर नहीं दिखा। लेकिन कई मुद्दे हैं जो असरकारी हैं, जो जमीन पर घूम रहे हैं। अजय जी कैसे देख रहे हैं आज का चुनाव? जी शुक्रिया आप लोगों का, धन्यवाद। मैं आज का जो रुझान है उत्तर प्रदेश की 8 सीटों में और पिछला जो था, वोट प्रतिशत की बढ़ोतरी न होना सत्ता और विपक्ष दोनों के लिए चिंता का विषय है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, और मतलब इस बार जो गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अमरोहा, मेरठ, बुलंदशहर, इन सारी सीटों पर जो चुनाव थे, ये सारे गढ़ जो है बीएसपी के हैं, कभी एसपी के भी रहे, अब बीजेपी के हो गए। तो लाख प्रयासों के बावजूद सभी दलों ने एक तरफ से प्रयास किया, चाहे वो राहुल गांधी हो, मोदी हो, यहां तक कि आकाश आनंद, बसपा की प्रमुख मायावती, अखिलेश, सबने ये कहा कि लोग वोट दें। चुनाव आयोग तो बकायदा पर्चा छाप छाप के प्रचार कर रहा है वोट। लोग वोट देने नहीं जा रहे हैं, यह इस बात का सूचक है कि लोगों का वोट में भरोसा कम हो रहा है, यानी लोकतंत्र में भरोसा कम हो रहा है। लोग निराश और हताश हैं, लोगों को लगता है कि हमारा वोट कोई रास्ता नहीं बन रहा है। यह एक बड़ा सवाल है आज के परिप्रेक्ष्य में, जिसको कि टाला नहीं जाना चाहिए। अब रही बात कम वोटिंग की, तो जाहिर तौर पर मैं पहले भी कहता रहा हूं, अब फिर कह रहा हूं कि विपक्ष को ज्यादा ध्यान देना चाहिए कम वोटिंग की, ज्यादा चिंता करनी चाहिए। और ईवीएम नाम का जो सवाल विपक्ष ने खड़ा किया है, उसका नुकसान हो रहा है, और इसकी वजह से ही इस बार की वोटिंग जो है वह बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि देश के दूसरे राज्यों में भी यही हाल है। बिहार का मैं अपडेट नहीं जानता हूं, लेकिन अगर बिहार में भी बहुत बढ़ोतरी नहीं हुई है, तो फिर ये ट्रेंड समझा जाए, और यह समझा जाए कि देश में लोगों का लोकतंत्र पर भरोसा कम हो रहा है। लोगों को लग रहा है कि हमारी एक उंगली का यह बटन अब उस तरह प्रभावकारी नहीं रहा जैसा कभी इतिहास में हुआ करता था, और आएंगे तो मोदी ही, यह भी एक निराशा का सूचक है, और इसकी वजह से लोग नहीं जा रहे। अब विपक्ष के पास एक सबसे बड़ा इंस्पिरेशनल पावर है या नैरेटिव है, महंगाई तो एक व्यापक मुद्दा है, लेकिन संविधान खत्म हो जाएगा, यह जो एक नैरेटिव विपक्ष ने सेट किया है, एकमात्र ये ताकत है जिसकी वजह से बूथ तक वोटर पहुंचे, लेकिन वो भी पहुंच नहीं पा रहा है, समस्या ये हो रही है। जी आपने ठीक कहा अजय जी कि विपक्ष अपना मुद्दा जमीन पर नहीं पहुंचा पा रहा है। विपक्ष अगर पहुंचा दे तो बहुत बड़ी तादाद में वोटर और निकल पड़ेगा। लोग निस्तेज इसलिए नहीं हुए हैं, निस्तेज इसलिए भी हैं कि उन्हें लग रहा है कि हमारे मुद्दे भी कोई लपक नहीं रहा है, हमारे मुद्दे पर भी खामोशी है, मायूसी है। हमारी महंगाई कोई राजनीतिक दल सड़क पर रोड शो करता दिखा नहीं, हमारी बेरोजगारी कोई सड़क पर नहीं आया, आप ट्विटर, फेसबुक या यूट्यूब से बैठ के आप नहीं कुछ कर सकते, आपको जमीन पर भी जाना पड़ेगा। आप ट्विटर पर बोलते रहो, आप फेसबुक पर लिखते रहो, तो आप सोशल मीडिया में एक अपना इन्फ्लुएंसर तैयार कर रहे हो, लेकिन जमीन पर आपने कुछ नहीं किया। अगर ये बेरोजगारी को लेकर जमीन पर कुछ होती, महंगाई को लेकर जमीन पर कुछ होती, जो अक्सर भारतीय जनता पार्टी करती रहती है, तो आज निश्चित वोटरों में उत्साह होता और बड़ी तादाद में वोट होता। मार्केट बिल्कुल खामोश सा है। तौसीफ साहब कितना सहमत है अजय जी की बात से? अजय जी ने बड़ी गंभीर बात की है। बिल्कुल मैं अजय जी के बात से सहमत हूं, लेकिन जहां तक मैं अजय जी का कहना है कि विपक्ष को नुकसान हो रहा है कम वोट से, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। कम वोट से नुकसान हो रहा है, लेकिन विपक्ष को होगा ये मैं नहीं मानता। विपक्ष का वोट जो है वो मैं ज्यादातर डलता हुआ दिखाई दे रहा मुझे ज्यादातर डलता हुआ दिखाई दे रहा है।
और जो पक्ष का वोट है उसमें निराशा है, मेरा ये मानना है। देखिए तौसीफ जी कह रहे हैं कि विपक्ष का तो पड़ रहा है लेकिन सत्ता पक्ष का ये पैरामीटर तो किसी के पास सेट नहीं है। हाँ, लेकिन मैं पहले भी कहता रहा हूं, लगातार कह रहा हूं कि ईवीएम की वजह से, ईवीएम पर जो प्रचार कहिए दुष्प्रचार कहिए उसकी वजह से एक नुकसान हुआ है। मैं तौसीफ साहब से कुछ उदाहरण बताऊंगा कि हुआ ये है कि जिस भी इलाके में हम लोग जाते हैं वहां दलित और मुस्लिम समुदाय के लोग, मतलब बड़ी संख्या में, विपक्ष के दूसरे भी समुदायों के लोग कहते हैं, लेकिन इस समुदाय के लोग कहते हैं कि बटन चाहे जहां दबाओ फूल पर ही वो लाल होता है। तो जब हम ये सवाल करते हैं कि जब ये हालात हैं तो क्या होगा, तो लोग कहते हैं कि बंद होना चाहिए, बैलेट से चुनाव होना चाहिए। फिर हम कहते हैं ये तो होने नहीं जा रहा है, तो वो कहते हैं कि हम वोट देने नहीं जा रहे। ये बात दर्जनों लोगों ने कही है, तमाम लोकसभा विधानसभाओं में कही है, इस बार भी कहा है। मैं सिर्फ वो चिंता जाहिर कर रहा हूं कि फर्ज करिए कि 5% हमने मान लिया विपक्ष की बात या जानकारों की बात कि 5% घालमेल हो सकता है क्या कहते हैं ईवीएम में, और 5% जनता नहीं गई और 5% घालमेल हो गया, तो यह 10% होता है और यही 10% मोदी को 38 से 48 पर भी ले जा सकता है, या अगर नहीं भी ले गया तो जो कम अगर हो रहा है तो वापस 38 से 40 कर देगा, तो फिर वही सीटें होंगी उनकी। यह जो चूक है, मैं सिर्फ इस तरफ लगातार बोल रहा हूं, ध्यान दिला रहा हूं विपक्ष का कि अभी भी अब 5 राउंड है। इस 5 राउंड में जो आपने जिन लोगों के पीठ पर हाथ रखा, चाहे महमूद प्राचा साहब हो, चाहे भानु प्रताप हो, चाहे दूसरे, वो 3-4-5 बैठ जाते हैं जंतर मंतर पर और दिन भर बताते रहते हैं कि ईवीएम गलत है, ईवीएम से ये हो रहा है, ईवीएम से हो रहा है, और वो एक भी ले लेते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस इतनी बड़ी, और वो मशीन लेके भी दिखाने लगते हैं, ये देखिए ये बटन है, यहाँ दबाइए, ये हो रहा है। अब जो बेचारा बेचारा यूट्यूब देख रहा है, दर्शक आपका, बहुत भरोसे से देख रहा है कि हमारा नेता है विपक्ष का। दूसरा, जब 3 राज्यों में हार हुई तो थोड़ा अखिलेश यादव ने भी कहा, तेजस्वी यादव ने भी कहा, दिग्विजय सिंह ने तो खुल के कहा, दूसरे यूट्यूबर्स जो विपक्ष के यूट्यूब माने जाते हैं, जो इनके पक्ष लेते हैं, वो तो रातों दिन ही यही प्रोग्राम चलाते रहे। इससे क्या हुआ कि जनता के भीतर एक बात बैठ गई गहरे में कि ईवीएम से ही सारा खेल है, हमारे वोट का कोई मतलब नहीं है, और उसका नुकसान यह दिखाई दे रहा है। इसीलिए बहुत सारे लोग जो ये बात कहते हैं कि ईवीएम के आंदोलनकारी बेसिकली भाजपा के साथ हैं, इससे मैं कई बार सहमत हो जाता हूं, क्योंकि उन्होंने भाजपा का रत्ती भर नुकसान नहीं किया ईवीएम के सवाल, रत्ती भर। दिल्ली में बैठ जाते हैं 7-8 लोग, 5-7 यूट्यूबर बैठ जाते हैं और वो शुरू हो जाता है उनका ज्ञान। अब उससे क्या हुआ कि उस ज्ञान को जो लाखों की संख्या में देश में लोग देख रहे हैं, उसका बड़ा हिस्सा दलित, मुस्लिम और पिछड़ा है, और वो देखते देखते ये भरोसा कर लिया है, सुबह से शाम तक उसको नशा हो गया है कि सारा गड़बड़ ईवीएम में। तो इसकी वजह से जो नुकसान हो रहा है, मैं सिर्फ वो कह रहा हूं कि इस निराशा में लोग नहीं जा रहे। मैं बिजनौर में था, मुझे बहुत ढंग से याद है, जय भीम के नारा लगाने वाले दर्जनों लड़के आए, बहुत जोश में उन्होंने नारा लगाया, और वो कह रहे थे बैलेट से इस बार चुनाव होगा। हमने कहा आपसे कौन कह रहा था, तो कहने लगे हमने वो यूट्यूब में देखा है, सब लोग कह रहे हैं, वहां मंत्री बैठ के कह रहे हैं, फला कह रहे हैं, पता नहीं क्या क्या नाम ले रहे थे वो, यही लोग जो रोज ज्ञान देते रहते। उसकी वजह से एक बड़ा नुकसान हुआ है। ऐसे में जिम्मेदारी है विपक्ष के नेताओं को कि वो अपने लोगों को, अभी भी 6 फेज बाकी है, वो जाके कहें, खुदा न खास्ता चलो ऐसा लक्षण होता नहीं है, कम वोटिंग हमेशा सत्ता की तरफ जाती है, लेकिन बाय द वे कभी कुछ हो सकता है कि यहाँ कोई कमाल हो जाए, वो तो 4 जून को पता चलेगा। साइड में अगर वाकई विपक्ष को लगता है संविधान का खतरा, वाकई लगता है महंगाई से चरमरा रहा है और देश की राजनीति को बदलना चाहिए, तो अपने कार्यकर्ताओं को यूट्यूब से उठा के और फेसबुक से और ट्विटर से उठा के अपने लोगों को, अपने फंडर्स को जाके देहातों में, गांवों में भेजे कि भैया हाथ जोड़े कि तुम लोग वोट देने चलो, ईवीएम से तो जो होगा सो होगा ही। ये इसकी मैं बात कह रहा हूं, और यह हमें लगता है कि सबकी चिंता का विषय होना चाहिए, जो भी विपक्ष के नेता है,
मैं चूंकि ये पहलू लोकतंत्र की दृष्टि से कह रहा हूं, मेरा विपक्ष या सत्ता पक्ष से वह रिश्ता नहीं है, लेकिन मेरा रिश्ता लोकतंत्र से है कि अगर विपक्ष की जनता जो नाराज है मोदी की नीतियों से वह बूथ तक नहीं जाएगी तो जाहिर तौर पर मुश्किल होगा। दूसरा देखिए, आज ही हमारे एक मित्र पत्रकार है, उन्होंने मैसेज किया और बताया कि नोएडा में बूथ के भीतर जहां वोट डालते हैं, मतलब जहां बटन दबाते हैं, वहां 3 भाजपा के कार्यकर्ता बैठे हुए। तो उन्होंने ट्विटर पे लिखा, क्योंकि वहां दूसरा कोई बूथ वाला था ही नहीं, मतलब जो चौकी लगा के स्टूल लगा के खड़े होते हैं वहां 3-4 भाजपा के ही टेबल लगे थे, बाकी कोई टेबल थी ही नहीं। ये नोएडा की बात, सेक्टर 12। तो अगर इस तरह के हालात रहेंगे तो अब उस ईवीएम में खेल हो रहा है कि तमाशा हो रहा है, किसको क्या पता है। अगर ऊपर से लेकर नीचे तक वही लोग हैं तो जाहिर तौर पर यह भी एक चिंता का विषय है। और इन वजहों से जो सवाल उठ रहे हैं वो वही उठ रहे हैं कि जनता चाहती है कि वोट दें, विरोध में है, वह सवाल उठा रही है, लेकिन बूथ तक पहुंचाने का जो काम है नेताओं का, आप सबको याद होगा कि जब बेगूसराय से कन्हैया कुमार हार गए तो कन्हैया कुमार से लोगों ने कहा ईवीएम से खेल हो गया, तो उन्होंने अंदर खाने में एक बात कही कि ईवीएम से तो जो होना सा तो वो हुआ ही, लेकिन बूथ पर लोग हमारे नहीं थे तो हम ईवीएम को दोष कैसे दें। अरे भाई, बूथ पर लोग होंगे तब तो कोई वोटिंग होगी। तो यह संकट इस बार भी अभी दिखाई दे रहा है। तो जितने लोग ट्विटर पर लगे हुए हैं बड़े बड़े, उन्हीं को भेज दो बूथ मैनेजमेंट कर ले, लंबे लंबे दावे करने से मोदी हार जाएगा, खत्म हो जाएगा, जीत जाएगा, हम प्रचंड आ रहे हैं, मोदी 400 नहीं 200 पर होगा, ये सब हो जाएगा। लेकिन ये तभी तो होगा जब आप जमीन पर होंगे, बूथ पर होंगे, सेंटर पर होंगे, या यूं ही हो जाए, मेरा सिर्फ ये कहना जी। बिल्कुल अजय जी, आप जिस नजरिए से ये बात कर रहे हैं वो नजरिया आपका ठीक है, मैं आपके नजरिए पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ, ना मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है। लोगों को भ्रमित करना या लोगों के में शंकाएं पैदा करना, ये इस बात से शंकाएं पैदा हो रही हैं या हो सकती हैं, ये बात सही है। लेकिन मेरा कहना यह है कि जो विपक्ष का वोट है, जो मैं बूथ वाइज मैं भी लिस्ट में निकलवाई है मैंने, यार 5 सीटों की मैंने बूथ वाइज लिस्ट मैंने ली है और मैंने उनको चिन्हित किया है। जो एक आइडिया होता है लोगों से लेके, मतलब मालूम हो जाता है ये कौन सा इलाका है, ये कहाँ से है, ये कैसे है, ये कैसे है, तो उससे ये परिणाम निकल कर आ रहे हैं कि जो विपक्ष वाला वोट है वहां वोट परसेंटेज बहुत ज्यादा है। मैं इस वजह ये बात मैं इस आधार पर कह रहा हूं, मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं आपकी बात को काटूं, मैं आपकी बात को काट नहीं रहा हूं आदरणीय जी, मैं तो सिर्फ इस बात पर कह रहा हूं 5 सीटों की मैंने लोकसभा, पूरी लोकसभा की बूथ वाइज लिस्ट ली है और उसको फिर मैंने ऐसे लोगों के बीच में बैठकर, ऐसे लोगों को बिठाकर जो उन बूथों की संख्या को उनको व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं कि ये बूथ कौन से इलाके का है, ये बूथ कैसा है, इस पर किस वोट के, किस आधार के वोट है, वो विपक्ष का वोट है या पक्ष का वोट है, मतलब उस आधार पर ये बात बाहर निकल कर आई है कि विपक्ष का जो वोट है वो अच्छी खासी संख्या में पड़ा है और जो पक्ष का वोट है उसका मार्जिन जो है वो घटा है, वो तकरीबन 8-9% कम हुआ है। मैं इस आधार पर कह रहा हूं, मुझे आपकी बात, मतलब जिस नजरिए से आप कह रहे हैं वो बात आपकी सही है, क्योंकि जो पिछड़ा है, दलित है, SC ST या मुसलमान है, वो अशिक्षित है, उसको ये बात जब उसके दिमाग में ये बात घर कर जाएगी जिस नजरिए से आप कह रहे हैं, वो जाहिर सी बात है वोट डालने नहीं जाएगा, कि जाना ही जब भारतीय जनता पार्टी को है या मोदी को है, क्यों जाऊं मैं वोट डालने, ये बात आपकी सही है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है, वो वोट डालने जा रहा है। अच्छी बात है, बिल्कुल जी। अजय सर कितना सहमत है तौसीफ जी की बातों से?
नहीं ठीक है, उनका अपना अनुभव है उस बातचीत में क्या है, लेकिन असल में मैं जो दूसरी चिंता जाहिर कर रहा था उस तरफ भी देखना चाहिए। अजय सर आप मथुरा घूमकर आए हैं, बिल्कुल बिल्कुल, में क्या आपकी बात ठीक है, मालिनी गेहूं काट के बीजेपी के वोट डलवा देंगी? नहीं, ये गेहूं के वोट से तो नहीं मथुरा में वोट पड़ेगा, लेकिन जो कांग्रेस के प्रत्याशी है मुकेश धनगर, वो तारीफ लोग कर रहे थे, लेकिन जिस तरह की जमीन है मथुरा और जिस तरह की हवाबाजी है और जातीय संरचना है उसमें आप कमोबेश मानिए कि मजबूत दिखाई दे रही हैं हेमा मालिनी, उनके काम की वजह से नहीं, काम को लेकर लोग हर आदमी एक ही बात कहता है कि मतलब वह कभी दिखी नहीं आज तक, कोई काम नहीं किया एज सच। मुकेश धनकर को लोग पसंद कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, वो भी एक जगह वो गेहूं काटने चले गए, 5 दिन वो बिना चप्पल के घूम रहे थे, यह सारे गुण है उनमें। लेकिन कांग्रेस ने ऐन वक्त पर जो टिकट दिया है, जैसे विपक्ष के साथ हमेशा एक असुविधा रहती है, वो ये रहती है कि उसका नेता 5 साल मतलब परिचय में नहीं रहता, ऐसा नहीं कि 5 साल पहले बताया गया हो कि ये सांसद प्रतिनिधि है, तो इसलिए उसके पास काम का वक्त टिकट मिलने के बाद का होता है अपने को ताकत दिखाने का, वो एक संकट है। और उस संकट की वजह से मुकेश धनगर तमाम तारीफ है, सब कुछ है, लेकिन जनता के एक व्यापक हिस्से में, खासकर जो गरीब समुदाय है, हिंदुओं का जो गरीब समुदाय है, जो लाभार्थी तबका है, वह तबका राजनीति, राजनीति का विश्लेषण, भविष्य की तबाही, आने वाली मंदी, अशिक्षा, यह तमाम जो तर्क हैं और जीवन को या जीवन के सपने को या एक नागरिक बोध को बेहतर करने वाले सारे जो पहलू हैं, उस पर वह ध्यान नहीं देता है। उसको लगता है कि वह नाम ही सुनता है मोदी का, जो प्रचार तंत्र है मीडिया का और जो तौर तरीके हैं, अब जैसे जितने भी बोर्ड हाईवे पे लगे हैं सब बीजेपी के हैं, पूरे शहर में क्या नारा है उनका, हेमा मालिनी का, मैं SBI चौराहे पर था वहां मथुरा में, वही बोर्ड लगा हुआ है, देखा अब तक 3 बार 2 बार, अब की बार भी हेमा मालिनी सरकार, ऐसा करके कुछ एक उनके लिए नारा लिखा हुआ। तो दूसरे किसी नारा ही नहीं है, किसी का पोस्टर ही नहीं है, किसी का बैनर ही नहीं है, तो जाहिर तौर पर यह आसान नहीं है, इसलिए यह जीतते हुए इन तमाम इलाकों में नजर आते। लेकिन जो मैं कह रहा था वो ये कि लोकतंत्र में अपने वोट की ताकत की जो आस्था थी, कोई अधिकार बोध तो नहीं था बहुत ज्यादा, लेकिन जो एक आस्था थी, जो थोड़ा बहुत यकीन भी कह सकते हैं, वह भी डिग रही है अगर वोटिंग प्रतिशत कम हो रहा है, लोगों को लग रहा है कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा इस देश पर, इसलिए यह स्थिति है, इसलिए यह पूरे लोकतंत्र के लिए गड़बड़ है। और यह ठीक किसके लिए है? यह ठीक वन पार्टी वन नेशन वन इलेक्शन के लिए है, और जाहिर तौर पर यह मोदी के लिए ठीक है, लोकतंत्र के प्रति, अपने वोट के प्रति, अपनी दखल के प्रति। जैसे कोई वोटर है तो जब वोट देने जाता है तो उसका एक अधिकार है, उस दौरान ऐतराज करता है। जैसे आप दिल्ली NCR में जितने आज वोटिंग हुई है, उन बूथ का जो प्रक्रिया थी वो ये थी कि 4-5 टेबल जो है वो लगा दिए बीजेपी के, और एकाध टेबल किसी तरह किसी अतरे कोने में किसी दूसरे के, वो 3 टेबल खाली है, उस पर कोई वोटर नहीं जा रहा बीजेपी का। लेकिन जो एक भौकाल है, जो एक माहौल क्रिएट करना होता है वोटर के भी मन में कि हर जगह बीजेपी का ही टेबल लगा है, इस काम से लेकर बूथ के अंदर हस्तक्षेप करने से लेकर और बूथ सेंटरों पर दूसरी पार्टियों के लोग न पहुंचे, इससे लेकर इन तमाम तिकड़मों के बीच मोदी की अपना जो प्रभाव है, यह सब मिलाकर विपक्ष को वही जो मैं बार बार कहता हूं कि पजामा बिना नाड़े के देना और अपने लंगोट पहन के दौड़ना, इस प्रक्रिया में दिखाई देता, और इसकी वजह से ये 8 सीटों का जो उत्तर प्रदेश में चुनाव है इसमें भी वोटिंग प्रतिशत इसीलिए कम होती दिखाई दे रही। जी हमारे साथ अभिषेक श्रीवास्तव जी आ गए हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं, देर से आए आज उसके लिए, उन्हें बिल्कुल लगातार उन्हें फोन करते रहे लेकिन फोन ही नहीं पिक हुआ। अभिषेक भाई को मेरी ओर से भी। अब कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को? पहले चरण निकल गए, अब दूसरे चरण चल दिए हैं, फिर तीसरे चरण चलेंगे, फिर चौथे चरण, पांचवें चरण, फिर सातवें चरण, फिर सातवें चरण, लेकिन आज भी चुनाव कम नहीं पड़ी,
हिंदू मुस्लिम से भी वोट नहीं बढ़ा। दूसरे चरण का चुनाव किसका बड़ा तनाव? अभिषेक जी देखिए, पहले चरण में जो मैं कह रहा था ना कि ये जो हिंदी पट्टी या जिसको हम हिंदू पट्टी कहते हैं उसमें और बाकी जगहों में जो वोटिंग परसेंट का फर्क रहा पहले चरण में, अगर उस पर भाजपा ने कोई काम नहीं किया तो वो स्नोबॉल इफेक्ट होगा। स्नोबॉल इफेक्ट का मतलब कि वही प्रवृत्ति जो है दूसरे तीसरे और आगे के चरणों में चलती जाएगी। और आज की जो वोटिंग है उसने ये साबित कर दिया कि पहले चरण का जो ट्रेंड था वही ट्रेंड बना हुआ है दूसरे चरण में भी। चलिए नोएडा और गाजियाबाद जैसे शहरों को थोड़ा सा डिस्काउंट दे देते हैं इस लिहाज से कि भाई शहरी लोग हैं, सोसाइटियों में रहते हैं, गर्मी में निकलना, धूप में खड़े होना थोड़ा मुश्किल होता है उनके लिए, लेकिन मथुरा में इतनी कम वोटिंग ये थोड़ा आश्चर्यजनक है। अमरोहा चलिए थोड़ा सा वहां पे आबादी के संरचना के हिसाब से देखते हैं थोड़ा सा ज्यादा वोटिंग हुई है, लेकिन वही हिंदी पट्टी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, आप सब देखिए कितना कम वोट परसेंट रहा है। और हमको लगता है कि आप लोगों ने इस पे बात कर ही ली होगी कि उस कम वोट परसेंट का मतलब क्या है। तो पिछली बार भी मैं यही पूछ रहा था, मेरी जानने की जिज्ञासा थी और अभी भी वही है कि हिंदू दोबारा सो गया है क्या? तो अगर पिछली बार सो गया था तो उसको हिंदू मुसलमान जगा नहीं पाया है इसका मतलब। जो बांसवाड़ा में मोदी जी ने भाषण दिया और सब किया इन लोगों ने, विरासत टैक्स पर हल्ला हुआ, वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर हल्ला हुआ, उससे लगता है मामला बन नहीं रहा है और अब बनेगा भी नहीं, बड़ा मुश्किल है। उसकी वजह यह है, आज एक सज्जन कह रहे थे बहुत काम की बात कि हिंदू मुसलमान जो है वो भाजपा का वाइल्ड कार्ड था, जो अंत में दिखाया जाता है तुरुप का पत्ता था, उसको पहले ही खर्च कर दिया इन्होंने और खर्च करने के बाद वो ऐसा बैकफायर कर गया कि चौतरफा इनको गाली पड़ी। 16-17 हजार लोगों ने चुनाव आयोग में वो कर दिया शिकायत, 2 FIR हो गई। तो वो जो मोदी जी के भाषण का जो असर होना था वो उल्टा असर हो गया और अगले ही उनको समझ में आ गई ये बात, इसीलिए वो अगले ही दिन अलीगढ़ में जाके हज वज के लिए जो है कोटे वोटे की बात करने लगे, सऊदी अरब का हवाला देने लगे। लेकिन वो सब उससे तो मुसलमान भाइयों का कुछ मतलब उल्लू सीधा होने वाला है नहीं, तो वो तो निरर्थक का प्रयास था उनका जो अलीगढ़ में उन्होंने किया। लेकिन उसके बाद इनको समझ में नहीं आ रहा है कि करें क्या। तो भारतीय जनता पार्टी दरअसल जो है वो एक ऐसे स्थिति में पहुंच गई है जहां उसके पास कुछ है नहीं और एक ही बात बार बार कहते कहते लोग भी तंग आ गए हैं सुनते सुनते। तो वो जैसे होता है कि मतलब काठ के उसको जो है बर्तन को बार बार चढ़ाना, वो चढ़ता नहीं है हर बार, काठ की हाड़ी, काठ की हांडी। हाँ, तो काठ की हाड़ी चढ़ नहीं रही है इस बार। और दो चरण हो गया, मतलब अब समझिए अब तो तीसरे चरण में, अब हम तो यूपी जानते हैं तो यूपी में तो भाई तीसरे चरण में मैनपुरी, टावा, कन्नौज के तरफ चुनाव बढ़ेगा, वहां इनको अलगे बुखार आया हुआ है, इनका कुछ होने वाला है नहीं। उसके बाद आप बढ़ा दीजिए थोड़ा सा लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, कानपुर के इलाके में, चलिए वहां मध्य यूपी में थोड़ा मोड़ा इनका वोट है, मध्य यूपी में इनकी पकड़ है, लेकिन फिर पूर्वांचल पहुंच जाएगा मामला। अब पूर्वांचल में स्थिति खराब है भाजपा की, तो हमको लगता है कि उत्तर प्रदेश में कुछ नुकसान तो होने जा रहा है इनका। ठीक है 5 सीटों का हो, 7 सीटों का हो, 10 का हो, क्या तो भाजपा अपना पुराना 65 का आंकड़ा भी 62 का बरकरार नहीं रख पा रही है आपके मुताबिक? क्योंकि पहले 73 फिर 62, हम क्या बोले, क्या 62 से भी नीचे? भाई हमारे देश के चुनाव विशेषज्ञों के पहली पीढ़ी के बाबा आदम कहे जाने वाले योगेंद्र यादव कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी 50 सीट ला दे बड़ी बात। ठीक है, पहले भी वो बहुत कुछ कहते रहे, पिछले चुनाव में भी कहा था वो, निश्चित तौर पे वो सदिच्छा जो है, मुस्कुरा रहे हैं आपके जवाब पर, ना वो समझ रहे हैं योगेंद्र यादव की बात। दिल्ली
दिल्ली के लोगों की एक बीमारी होती है जो दिल्ली के बाहर नहीं पाई जाती, उसको सदिच्छा कहते हैं। तो दिल्ली में सदिच्छा की बीमारी होती है, जो लोग भाजपा को 150 पे हरवा देते हैं, 100 पे हरवा देते हैं, वो होता है। लेकिन योगेंद्र यादव का इसलिए हम अभी भी सम्मान करते हैं क्योंकि तमाम राजनीतिक गड़बड़ियों के बावजूद, कांग्रेस की खुदकुशी की कामना करने के बावजूद, याद कीजिए कुछ साल पहले उन्होंने लेख लिखा था कि कांग्रेस खुदकुशी कर ले मर जाए, हैं, इसके बावजूद योगेंद्र यादव का हम इसलिए सम्मान करते हैं कि भाई चुनाव विशेषण की जो कला थी, उस कला के पहले जो आदमी शुरुआती लोग थे, प्रणय राय हैं, और ये योगेंद्र यादव। लेकिन आजकल योगेंद्र यादव पिछले 3 सालों से जब आप कहेंगे या चुनाव विश्लेषक, तो वो मना करते हैं कि अब मैं चुनाव विश्लेषक नहीं। वो मना करेंगे, वो भाई देखिए अब जली हुई है। अभी एक यूट्यूब चैनल पर आए, वो विश्लेषण कर रहे थे, सारी सीटें ऊपर नीचे कर दी उन्होंने, और यही हाल उन्होंने 3 राज्यों में किया। दरअसल 3 राज्यों में अभिषेक जी हमारे साथ बैठ के करते थे उल्टा विश्लेषण। हम तो निजर नहीं समझ में आए कि इन्हें असली विश्लेषण माने कि उनका विश्लेषण माने। ये जो विश्लेषण है ये बड़ा अजीबोगरीब हो जाता है। विष परोस देते हैं, लेसर कहीं रह जाता है, फिर न विष मिलता है न लेसर मिलता है, वो विश्लेषण ही नहीं होता। किसी का विष है, कहीं लेसर कर दिया है, तो कैसे होगा विश्लेषण? मैंने पहले नहीं देखा विश्लेषण। सब अडानी अंबानी से पैसे पा रहे हैं विश्लेषण करने वाले, और टीवी पर बैठ के उनका एक ध्येय है, एक ग्रुप को जिताते रहो, दूसरा अपने आप उसका भरपाई करता रहेगा। उस ग्रुप के चक्कर में कांग्रेस का बंटाधार होता चला जा रहा है, और कांग्रेस कह रही है यही हमारे सर्वे सर्वाएं। अभी भी कांग्रेस ने उन चैनलों को करोड़ों रुपया दिए हैं जो यूट्यूब चैनल्स हैं, करोड़ों रुपया उन चैनल्स को दिए जो उनके लिए गालियां परोसते हैं, और जो उनके लिए लड़ रहे हैं, जो ईमानदार जनता की आवाज उठा रहे हैं, वहां उनकी एंट्री भी नहीं है। बैठक में जो हुए, अक्षय जी को पता है, अभी पत्रकारों के साथ वार्ता हुई कि अजय प्रकाश जी आपको बुलाया गया, पर्सनल मुझे तो बुलाया नहीं गया, जनता के सामने पेश नहीं करना चाहिए, जाने दीजिए उसको। अच्छा, मैं जो कहना चाह रहा था वो 2-3 बातें थी। ये बात तो बिल्कुल वाजिब है कि मोदी जिन बातों को लेकर पहले फेज के बाद दूसरे फेज में एंट्री लिए, इसमें मंगलसूत्र है और जो जो मसले वो कह रहे थे, वो कोई भी प्रभावकारी नहीं हो पाया है, अब तक नहीं दिखाई देता। लेकिन इन सबके बावजूद 2 बातें लगातार, इस बात को विपक्ष को जरा भी अगर गंभीरता है, कई बार तो हमें ऐसा लगता है कि स्टूडियो में बैठे हुए पत्रकार या शुभचिंतक या समाज में लोकतंत्र चाहने वाले लोग चाहते हैं कि मोदी हार जाएं, लेकिन पार्टियां इतनी गंभीर नहीं है। जैसे कन्नौज की सीट पर पहले रामगोपाल की चर्चा, उसके बाद रामगोपाल के पुत्र की चर्चा, और उसके बाद भतीजे का बैठ जाना, यह बताता है कि आखिरकार कोई तो ऐसी चीज है जिससे आप ड्रिवन हो रहे हैं, कोई तो ऐसी चीज है जो आपको संचालित कर रही है, कोई तो ऐसी चीज है जो सीटी कहीं और से बज रही है। यह जो संकट है विपक्ष का, यह संकट ही ले डूबेगा। सवाल ऐतराज का बिल्कुल नहीं है। मैं भाजपाई वोटरों के बीच जाता हूं, जो लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री हमें यही चाहिए, वो भी ये कहते हैं कि महंगाई बहुत है, बेकारी भी बहुत है, ये सारी बातें वो कहते हैं। लेकिन हमको ये हमेशा ध्यान रखना होगा, चाहे चीन की दीवार हो और या फिर ग्वालियर से लेकर आगरा तक बनी हुई मिट्टी की दीवारें हो, घरों की जो मिट्टी के पहाड़ हैं पूरे चंबल के इलाके में, कुछ भी अपने आप नहीं ढहता है, सबको ढहाने के लिए ताकत चाहिए होती है। तो वो जो ताकत है, जनता चोर पसंद करती है, कमजोर नहीं पसंद करती। यह जो डायलेमा और कंफ्यूजन है, और जो बार बार उभर कर चला आता है, वह एक ऐसी चीज है जहां जनता तय नहीं कर पाती कि हम दिल्ली किसको भेजें। और वह जो वोट तक माइक पर कष्ट बताता है, वोटर तकलीफ बताता है, हमारे साथ मोदी को बोलता भी है हमारे सवालों पर, लेकिन वोट पर जब वो जाता है तो वहां वो बदलता है जिसको हमें पकड़ना होगा। और ये जितने विश्लेषक हैं, एक बात हम आप सब से कहेंगे, उम्मीद है सहमत होंगे,
कि विपक्ष का पक्ष लेने वाला आपको देश में एक सिंगल बुद्धिजीवी नहीं मिलेगा जिसका कि विपक्ष में स्टेक ना हो। स्टेक भी क्लियर कर देता हूं, मतलब मैं फिर से एक बार दोहराता हूं कि एक पक्ष में बोलने वाला बुद्धिजीवी, पत्रकार, साहित्यकार, कलाकार, फलाना और दो चार आकार नहीं मिलेगा जिसका स्टेक न। स्टेक का मतलब है अगर साहित्यकार है तो उसका कोई लेना देना ना हो झुंड से, कविता कहानी से। अगर पत्रकार है तो वह पेड न हो रहा हो। अगर बुद्धिजीवी हो तो वो प्रेस क्लब के बगल वाले हाउस से लेकर, जवाहर भवन से लेकर और अकबर रोड तक वो पेड न हो रहा हो, या इधर लखनऊ में हो तो भैया जी के यहां से कुछ वरद हस्त न हो। उसके अलावा आपको इस देश में सिंगल व्यक्ति नहीं मिलता है, एकाध कम्युनिस्ट कहीं से छिटके छटके मिल जाएंगे, अन्यथा एक व्यक्ति नहीं मिलता है जो लाभार्थी न हो कांग्रेस का या सपा का और वो पक्ष में बोल रहा। यहां से हमें पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए कि वॉलेंटियर कहां है इन पार्टियों के पास, जिनको कोई लेना देना नहीं कांग्रेस से, कोई सपा से लेना देना नहीं है, लेकिन वो खड़े हैं। वैसा आपको एक आदमी इधर नहीं मिलता है इस गोल में। वहां से चिंता होती है कि आखिरकार किस तरह का हमने आबो हवा बनाई है जिसमें हमें वॉलंटियर नहीं मिल रहे हैं। जमीन पर मिलते हैं, कार्यकर्ता मिलते हैं, बहुत सारे मिलते हैं, कहते हैं हम जिएंगे मरेंगे सपा को वोट देंगे, जिएंगे मरेंगे हम कांग्रेसी हैं, मिशन वाले तो बहुत मिल जाते हैं, मायावती वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन ऊपर के तबके में आपको नहीं मिलते। और उधर की तरफ ऊपर के तबके में लाखों वॉलंटियर आपको मिल जाएंगे जो बड़े लोग हैं, बड़े बुद्धिजीवी हैं, कोई लेना देना नहीं उनका आरएसएस भाजपा से, लाभार्थी भी उस तरह से सीधे नहीं हैं, लेकिन वो साथ खड़े। यहां इस बात को कांग्रेस और विपक्ष जिस दिन समझेगा, उस दिन समझेगा कि योगेंद्र यादव कैसे लाभार्थी बन जाते हैं। मैंने एक बुद्धिजीवी, एक समझदार व्यक्ति एक प्रक्रिया में राजनीति की अपनी अच्छाइयों और बुराइयों के कारण वह सेफोलॉजिस्ट से एक छोटी पार्टी का नेता बनता है, फिर किसान नेता बनता है और अब कांग्रेस का नेता बनता है। और आज भी आप पूछिए कि आप कांग्रेस के नेता हैं तो योगेंद्र जी नहीं कह पाएंगे कि कांग्रेस के नेता है। तो अगर हम लाभार्थी सिस्टम में कोई संरचना खड़ी कर देते हैं विमर्श की और बुद्धिजीविता की, तो जाहिर तौर पर उससे नुकसान होता है और वो नुकसान दिखाई दे रहा है। जी यही कहना। आज के चुनाव को लेकर अभिषेक जी क्या रिपोर्ट है? 88 सीटों पर चुनाव हो गया जहां भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में 50 लोकसभा सीटें थी। पहले चरण में 102 में बीजेपी के कब्जे में कुछ कम सीटें थी। इस बार पहले चरण में बीजेपी को नुकसान होता दिखा, क्या इस चरण में भी आप आंक रहे हैं बीजेपी को नुकसान होगा? थोड़ा नुकसान तो है, दो सीटें मान लेते हैं कि यूपी में। ऐसा मत कहिए, 400 पार का नारा है, कभी तो फायदे की बात करिए। नहीं, फायदा तो भाई किसी को नुकसान होगा तो किसी को फायदा होगा ही, हमें दोनों से मतलब नहीं है, तो फायदा भी हो रहा है। तो दो यूपी में मान लेते हैं और दो राजस्थान में मान लीजिए, इससे ज्यादा हम नहीं मान रहे हैं। बाकी जगह लड़ाई है, लड़ाई है। जो देखिए, अब आप सोचिए कि वहां रविंदर भाटी, अरे ये बाड़मेर में बहुत से लोगों को रोका गया, वोट नहीं देने दिया गया। यहाँ पे 10-10 बजे तक जो है ईवीएम मशीन चालू नहीं हुई गाजियाबाद के एकाध बूथों पर, है आईडी चेक की जा रही है लोगों की। और ये राम जी जो हैं, ये नकली वाले मेरठ वाले, ये वीडियो, मतलब आप सोचिए कि वीडियो कैमरा उनका एक गुर्गा लेके और अंदर जो है पोलिंग बूथ में वीडियोग्राफी कर रहा है, जो कि मतलब निहायत ही एमसीसी का वायलेशन है। कैंडिडेट कैसे वीडियोग्राफी कर सकता है ना? तो ये सारे धत कर्म हो रहे हैं, इसको भूलिए मत। आप भाजपा को हरवाइए चाहे जितवाइए, ये आपकी सदिच्छा है, लेकिन जो धत कर्म हो रहे हैं और इन धत कर्मों पर चुनाव आयोग धृतराष्ट्र बना बैठा है, इसको नहीं भूलना चाहिए हमें। और ये बड़ा खतरनाक है, हमको नहीं पता कि कितने लोगों का वोटर लिस्ट में से नाम काट दिया गया, हमको नहीं पता आज कितने लोगों को रोक दिया गया वोट देने से, कितने लोगों से कह दिया गया झूठ झूठ कि तुम्हारे पास आई कार्ड नहीं है तो तुम अंदर नहीं घुस सकते। ठीक है, तो ये सब चल रहा है और उतनी बातें मतलब उस तरह से ग्राउंड से आ नहीं पा रही हैं, या आ रही हैं तो लोग शिकायत नहीं कर पा रहे हैं। बड़ा मुश्किल है।
आजकल शिकायत करना भी मुश्किल है, आप एनोनिमस शिकायत करेंगे तो ट्रैक नहीं कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल ऐप देखेंगे अज्ञात बन के आप शिकायत करते हैं तो आप शिकायत को ट्रैक नहीं कर पाएंगे, और अगर आप अपना मोबाइल नंबर डाल के शिकायत करते हैं तो आप खुद ट्रैक हो जाएंगे। ठीक है, तो कोई आदमी इतना फिकर कर नहीं रहा है, वरना लोग अगर शिकायत करना शुरू कर दें ना तो एक दिन में, एक पोलिंग के दिन 1000 से ज्यादा शिकायत जो है आए एक क्षेत्र से। तो ये सब चल रहा है, इसलिए हमको डाउट है कि जितना हल्ला है भारतीय जनता पार्टी के सीटें गंवाने का, नतीजों में उतना रिफ्लेक्ट नहीं होगा, उतना दिखेगा नहीं। ठीक है, मार्जिन कम रह सकता है क्योंकि भाजपा का वोटर निकल नहीं रहा है, ये सच बात है, लेकिन जो वोटर निकल नहीं रहा है उसका वोट पहले भी हम कर रहे थे, अलायंस को जा नहीं रहा है, तो अलायंस को जब नहीं जा रहा है तो अलायंस को कोई लाभ इसका नहीं हो रहा है, मार्जिन कुछ कम रह सकता है। जहां जहां 4-5 हजार, 2 हजार का मार्जिन होगा वहां पर लड़ाई होगी, सीधी सी बात है। उतना तो आखिरी टाइम में डीएम साहब ही कवर कर लेंगे काउंटिंग के टाइम, हाँ डीएम साहब आधा घंटा 1 घंटा रुकवा देंगे, काम हो जाएगा। ठीक है भाई, जहां बैठे बैठाए सूरत की सीट निकल जा रही हो, सांसद बन जा रहा हो, वहां पे काहे का चुनाव, काहे का लोकतंत्र। हम तो कह रहे हैं कि 50% क्या मतलब, 20% लोग वोटिंग करने निकले, हमको नहीं चिंता है इस बात की कि लोकतंत्र घाटे में जा रहा है, हमको कोई चिंता नहीं है इस बात की कि 20% लोग भी वोटिंग करते हैं तो लोकतंत्र का नुकसान होगा, न करें ज्यादा अच्छा है वोटिंग। कर्मकांड करने का क्या फायदा भाई, कर्मकांड में तो शुद्धता रहे, लोकतंत्र के नाम पे एक कर्मकांड बचा रह गया है वोटिंग का, और तो कुछ बचा नहीं है इस देश में, वो कर्मकांड भी कायदे से आप नहीं करवा पा रहे हैं, तो काहे को हम कर्मकांड करने के लिए गर्मी में जो है अपना डिहाइड्रेशन करवाएं। सही कह रहे हैं आप, इसलिए हमें नहीं लगता है कि जितना हवा है, जितना हाइप है कि भाजपा सीटें गवा रही है और 200, और आज सवेरे 2-3 लोग लखनऊ से फोन करके यहाँ वहां से बात कर रहे थे, कोई 230 कह रहा है गुरु, 200 नीचे पहुंच गई, 250 नीचे पहुंच गई। कहां से दिखाई कर रहा है ये अभिषेक, जो साथी ये बोलते हैं उनसे आप ज्यादा नहीं, हकीकत इससे अंदाजा भी आएगा, उनसे पूछिए कि आप जिस सीट के रहने वाले हैं, आप जिस सीट को जानते हैं, आप जहां के नुमाइंदा हैं, वहां बीजेपी हार रही है कि नहीं हार रही है, उस जवाब से आपको पता चलेगा कि वाकई बाकी जगह बीजेपी हार रही है। ये वही स्थिति है, ये याद कीजिए, ये वही स्थिति है कि 2014 में हम लोग यहां से पूछते, 19 में यहां से पूछते थे कि अरे भाई तुम्हारे यहाँ क्या हाल है, तो बोलता था कि यहाँ का तो नहीं पता, हाँ लगता है दिल्ली में लहर है, तो सबको दूसरे जगह लहर दिख रही थी, अपने यहाँ लहर नहीं दिख रही। मोदी के विकास वाली स्थिति है कि हमारे यहाँ विकास नहीं है लेकिन देश में विकास है, ये हाल है। चलिए एक अंतिम कमेंट आप सबसे, इस आज के कर्मकांड को तौसीफ कुरैशी जी कैसे देख रहे हैं, ये कर्मकांड अभी बताया जो अभिषेक जी ने, तो ये कर्मकांड अब आपने कैसे समझा, इस कर्मकांड को लेकर आपकी क्या राय है कि अब 2 चरणों का कर्मकांड हो चुका है, तो इसमें किसका कांड हुआ, किसका कर्म हो गया? मिश्रा जी, लग रहा है क्या हो गया कांड। अभिषेक भाई हमारे बड़े भाई हैं और उन्होंने जो तथ्य प्रस्तुत किए हैं उससे मैं सहमत हूं उनकी बात से, ये बात सच है। जहां तक मेरा कहना यह है कि विपक्ष मजबूती के साथ चुनाव लड़ा है, जीतना हारना ये एक अलग विषय है, विपक्ष के पास वोट अच्छा खासा गया है, लेकिन अभिषेक भाई ने जो तर्क दिया है कि वो मार्जिन कम हो जाएगा और 5 से 10 के बीच में डीएम साहब देख लेंगे, ये मैं इस बात से पूरी 101% सहमत हूं, बस ये एक बात है मेरी तो। अजय सर आपका कैसा मानते हैं इस पूरे दोनों कर्म कांडों का, किसी का कर्म हुआ, कांड हुआ, या फिर ऊपर नीचे रहेगा जो है जैसे वैसे ही ऊपर नीचे रह जाएगा? देखिए ये सारे साथी जो बोल रहे हैं वो ठीक ही बात है, मैं एक बात बताता हूं जो विपक्ष के नेता बोलते हैं, बात सभी नेता जब भाषण देते हैं ना, मतलब राहुल गांधी से लेकर दूसरे सभी नेता विपक्ष के, वो सब बोलने के दौरान एक बात बीच में कह देते हैं कि अगर ईमानदारी से चुनाव हुआ तो बीजेपी 200 के नीचे जाएगी,
ये लाइन बोलते हैं अगर ईमानदारी से चुना, और यही बात वोटर भी बोल रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि मुझे तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का यह नैरेटिव है जिसको सभी विपक्ष के नेता कहते हैं, वो अपना मुद्दा गिना ही नहीं पाते। आप किसी नेता को आज बयान देख लें, चाहे परसों का बयान देख लें, या ये जो महारैली हुई दिल्ली में उसमें सभी नेताओं का भाषण सुन लें, मैं मौजूद था वहां, सभी एक ही बात बोलते हैं, मोदी को 400 नहीं आएगा, 200 से नीचे आएगा अगर ईमानदारी से वोटिंग हुई। यानी आप अपनी हार का बहाना पहले से खोज कर रखते हैं। तो आप यकीन मानिए, कोई ऐसा विद्यार्थी अपने क्लास में अव्वल नहीं आता है जो इन बहानों के साथ अपने सफलता के रास्ते चुनता है। अगर आपको आखिरी दोष बोलने में ईवीएम पर ही दे देना है तो आपका वोटर ईवीएम से ग्रस्त है। तो जो मैं कह रहा था, अभिषेक भी वही कह रहे थे, कि अगर 5% वोट मान लीजिए कि ईवीएम गड़बड़ करता है, मतलब डीएम साहब, प्रशासन, जिसके जरिए भी होता है, 5% वो गड़बड़ कर देता है और ईवीएम प्रकोप और ईवीएम दुष्प्रचार के कारण आपका वोटर 5-10% वोट देने नहीं जाता है, तो वह कुल ले दे के 10% हो जाता है और वही मोदी को 38 से 48 पर पहुंचा सकता है और फिर मोदी इस देश में 50% वोट के साथ आपको दिखाई दे सकते हैं। इसलिए 6 चरण बाकी है। मैं लगातार इस बात को कह रहा हूं, सबसे कह रहा हूं, और भी लोग कहते होंगे कि विपक्ष के नेताओं को अपने इन ट्विटर बाजों से, यूट्यूबरों से मुक्त होकर जाना चाहिए फील्ड में, अपने कार्यकर्ताओं से कहना चाहिए कि ये जो हमने ईवीएम का रायता फैला रखा है, इस रायते के लिए हमें माफी दो और फिलहाल वोट के बूथ तक जाओ। जनता जा नहीं रही है इनकी, खासकर मुस्लिम और दलित, जिन पर सबसे ज्यादा ईवीएम के दुष्प्रचार या प्रचार का असर पड़ा है, वह घर से नहीं निकल रहे हैं क्योंकि वैसे भी कमजोर हैं। भाई क्यों मुसलमान जाए वोट देने बदनाम होने के लिए, कहते हैं माइक पर, कहते हैं बातचीत में, कहते हैं कि हम बदनाम होने के लिए क्यों वोट देने जाएं, जब मोदी को ही जीतना है तो हम नहीं जाएंगे वोट देने। दलित ये कहता है कि हम बहन जी को वोट देते हैं, चला जाता है फूल पर। हमने कहा, मैंने पूछा आपसे कौन कहता है, कहा हम जानते हैं, हम रोज देखते हैं समाचार में। हमने कहां समाचार देखते हैं, तो यूट्यूब में। तो जो तुमने पुदीना बोया है उसकी चटनी तो खाओगे ना। तो इसलिए अगर ईवीएम का खेल 5% खेल, चलो एक और शब्द आया, पुदीना बोया है तो चटनी खानी पड़ेगी, एक और शब्द आया निकल के, खाने का मतलब ये है कि अगर 5 ये जोड़ लो 5 ये जोड़ लो तो दोनों मिला के 10% है और 10% ये कहीं नहीं जा रहे हैं। किसी इलाके में आप चले चलिए, कहीं चले जाइए, कल मैं हाथरस आगरा जा रहा हूं, वहां से भी आपको बता दूंगा कि जो है वह यही स्थिति है कि जनता का एक छोटा सा हिस्सा कहता वोट देने नहीं जाएंगे जी, हम कहीं भी डाले ईवीएम तो वही जाता है। यह निराशा ही आपको मुश्किल में, भाई 10% का ही तो खेल था। अगर 38 पर मोदी है इस वक्त पूरे देश भर में, 10% वो घट जाता तो मोदी 28 पर हो जाते और आप 28 के मुकाबले जो आपका कुल 43% है वो सब जोड़ जाड़ के फिर भी आपको जिताने की तरफ ले जाता। लेकिन यही 10% का खेल मोदी को मजबूत कर सकता है और आपको कमजोर कर सकता है, बाकी तो अलग पहलू है। ये बस कहना चाह रहा था। अभिषेक जी, किसका करेंगे कर्मकांड और किसे पुदीना की चटनी चटाएंगे, क्योंकि चटनी और आ गई मार्केट में। अब आने दीजिए, अभी तो आधा रास्ता भी नहीं पहुंचे है महाराज। अभी देखिए, अभी ऐसा है कि किसी ने लिखा था ट्विटर पे पिछली बार, अभी शायद हफ्ते भर पहले, कि दोस्तों चुनाव को गरमाओ, तुमको पता है कैसे गरमाया जाना चाहिए, ऐसे कुछ कोई लिखा था। 19 तारीख का मजा नहीं आया था लोगों को, तो मोदी जी ने गरमा दिया। अब वो ऐसा गरमाया कि सिर मुड़ाते ओले पड़े, उसके बाद मामला फिर ठंडा गया। तो ये गरमाने की कोशिशें हो रही हैं। जैसे अब सुनने में आ रहा है कि अमेठी से कोई हीरोइन जो है वो कांग्रेस उतारने जा रही है, ताकि वो हीरोइन बनाम हीरोइन की लड़ाई हो जाए। हैं, फिर कन्नौज से रैली का क्या होगा? हाँ? रायबरेली में तो मतलब ऐसा सुनने में आ रहा है कि प्रियंका जी मना कर दी है लड़ने से, हम नहीं लड़ेंगे। तो अब हो सकता है भाजपा फेज हो गया तो 28 तक आना है, परसों तक नाम आ जाए, तो किसी ना किसी तरह कोई हीरोइन उतार के गरमाने के चक्कर में है। अखिलेश यादव कन्नौज को गरमाने के चक्कर में है, है? दोनों तरफ से गरमाने की कोशिशें चल रही है। जनता अब की गर्म बिल्कुल नहीं है, एकदम ठंडी पड़ी हुई है। और
दिक्कत यही है कि जनता जब ठंडी होती है तो आप नकली तरीके से कैसे भी गर्मा लीजिए, चुनाव गर्माता नहीं है। चूंकि अब दो फेज हो गया है, ये ट्रेंड तीसरे फेज में बदलने वाला नहीं है, ऐसा हमको नहीं लगता है कि कुछ बदलेगा, खासकर उत्तर प्रदेश में जहां पे यादव बेल्ट की तरफ चुनाव बढ़ रहा है, ये ट्रेंड जारी रहेगा। हो सकता है कि चौथे फेज में और पांचवें फेज में जब बुंदेलखंड, झांसी, कानपुर, सीतापुर, हरदोई, थोड़ा सा बीच का इलाका आवे, कैसरगंज इधर, तो इस मध्य यूपी में हो सकता है चीजें थोड़ी सी पलटें, मेरा ये अंदाजा है। लेकिन छठवें सातवें में दोबारा इसी स्थिति में आ जाएंगी चीजें। तो उत्तर प्रदेश का तो हमको यही लग रहा है। हिंदी पट्टी में एज ए होल राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल, ये सब इलाके सब ठंडे रहने वाले हैं। 50, 52, 54, 56 इतने ही में मामला निपटेगा, 60 तक पहुंचेगा नहीं, फर्स्ट डिवीजन नहीं आने वाला है। जहां जहां पोलराइजेशन है या जहां जहां एंटी बीजेपी सेंटीमेंट बहुत मुखर है, वहां वहां 67, 68, 70, 72 पहुंचेगा। बंगाल इसका उदाहरण है, और बंगाल में जहां पे ज्यादा वोटिंग दिख रही है वहां पे भाजपा की सीटें बढ़ेंगी, ये भी कहा जा सकता है निश्चित तौर पे। इतनी समझदारी अभी तक बन पाई है, बाकी धीरे धीरे जैसे जैसे चीजें बढ़ेंगी बात किया जाएगा। चलिए, अजय जी का, अभिषेक जी का और तौसीफ जी का, पीयूष पंत जी का बहुत बहुत आभार। लेकिन दूसरे चरण में किसका बड़ा तनाव, किसकी बनेगी सरकार, अभी ये क्वेश्चन 4 जून तक बदस्तूर जारी रहेगा। 4 जून को 1 बजे साफ हो जाएगी किसकी बनेगी सरकार, किसका बड़ा तनाव और किसका घटा पीपी। गर्मी में बीपी बढ़ाने की सबसे सटीक दवाई पुदीना की चटनी चाटो, शरीर में ठंडक रहेगी, दिमाग भी ठंडा रहेगा, जो हार जाएगा वो स्वतंत्र होकर उस ठंडक से बर्दाश्त कर लेगा हार। पुदीने, सुनिए, पुदीने के बाद एक जुमला और ले लीजिए जो मार्केट में आज चला है, वो ये है कि 80% जनता 2 जून की रोटी के चक्कर में है और पत्रकार सब 4 जून की रोटी के चक्कर में। चलिए चलिए, एक और आया नया, ये कल चर्चा करेंगे और तब तक ये वोटरों की पूरी काउंटिंग आ जाए तो फिर कल एक विस्तृत चर्चा करेंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।